किया था और किस तरह फॉरेन पॉलिसी जो है इस रीजन के अंदर। हमने उसके बाद पाकिस्तान वाले रीजन के ऊपर बात की, पाकिस्तान के बाद जो हमने मिडिल ईस्ट के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन की कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक्चुअली किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज उसमें रहती थी वो था ऊपर वाला एजुकेशन पोर्शन जो है, तो यहाँ से आप हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, किस तरह की पॉलिटिक्स है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग चाइना एंड रशिया। तो इस क्वेश्चन को सारे को समझते हैं कि एक्चुअली वहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है, किस तरह पॉलिटिक्स शिफ्ट होता है, किस तरह और अभी जो रशियन यूक्रेन वॉर चल रही है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसकी एनाटॉमी है, किस तरह चीजें चेंज हुई है, और क्या पावर पॉलिटिक्स का रोल है, क्या इकोनॉमी का रोल है, किस तरह वहाँ पे जो है गैस क्राइसिस क्रिएट किया हुआ इन्होंने, और देन हम यूरोप को भी देखेंगे क्या यूरोप की परेशानियां इस वॉर को लेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली दो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं, एक तो हमें देखना रशियन यूक्रेन कंफ्लिक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑल द एंगल्स, और देन स्पेशली पाकिस्तान का क्या स्टांस था और क्या होना चाहिए था, क्या पाकिस्तान को वाकई ही इस तरह का न्यूट्रल स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, या फिर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जब जनरल असेंबली का इजलास हुआ तो पाकिस्तान ने क्या स्टांस लिया है वहाँ पे और क्यों लिया है, क्या सिर्फ पाकिस्तान था जिसने ये कहा है कि जी भाई हम जो है इसे नलीफाई नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते, या फिर कुछ और स्टेट्स भी हैं जिन्होंने ये स्टांस लिया है। तो इस तरह की ये सारी चीजें हैं इस रीजन की पॉलिटिक्स के ऊपर जिसे हमने आज डिस्कस करना है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इस रीजन की जियोग्राफी को और रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को समझेंगे, उसके बाद हम चाइना के रिलेशन और यूएस रशिया के साथ जो उसके रिलेशन है पास्ट में और अब कैसे चल रहे हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो आज थोड़े शॉर्ट अब लेक्चर शॉर्ट रह गए हैं, तो मे बी इसलिए थोड़ा जल्दी चीजें फिट करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो मेरे ख्याल में रशिया यूक्रेन जो है खुद 2-3-4 घंटे का टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सम हो जो इसके की एरियाज हैं उनको हम हिट करेंगे और मेरा नहीं ख्याल कोई चीज इसमें रह जाएगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं एक्चुअली के किस तरह यहाँ पे इवॉल्व होती है सिविलाइजेशन, रशियन सिविलाइजेशन या यूक्रेनियन सिविलाइजेशन। लिखते हैं अब उस पर तो सर्च मारते हैं, अभी पाकिस्तान इंडिया का एंगल अभी डिस्कस किया, उसमें 2-3 और भी करने, कितने 6 पॉइंट मैंने लिखा है, 6 में 2 और ऐड करें, क्या लिखवाया था वो एंटी मुस्लिम किलिंग लिखवाया था, उसके अलावा बाबरी मॉस का लिखवाया था, उसके अलावा हिजाब को लेके, ट्रिपल तलाक बिल को लेके, देन मुस्लिम जो प्रोसिक्यूशन थी उसको लेके, लिंचिंग मुस्लिम लिंचिंग रिगार्डिंग काउ स्लॉटरिंग के लिहाज से जो थी ये वाली, तो इस तरह 6 पॉइंट तो है, बाकी ये बेसिक है वो उसके ऊपर एक और टॉपिक है सर अलग से, चलो अपने सबको करना है कि ग्लोबल इंटॉलरेंस उसके ऊपर अलग, रिलीजियस इंटॉलरेंस प्लुरलिज्म ये एक अलग से पूरा टॉपिक है जहाँ पे तमाम हम देखेंगे वेस्ट वर्सेस, बल्कि वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के साथ ये चीजें वहां पे भी बड़ी डिटेल से डिस्कस की है ऑलरेडी, तो कल इसको थोड़ा स्किप भी किया ये, तो बल्कि ये ट्रिपल क्लास और ये वाला दोबारा दूसरी दफा ये इनसे डिस्कस हो रहा है, मॉर्निंग वालों के साथ तो पहले भी इस पर डिस्कशन हुई है, तो इवनिंग वाले कुछ लोग कहते थे उनके साथ भी, ये जब ह्यूमन राइट्स की हमने बात की थी ना तो वहाँ पे लास्ट बल्कि वो उसका स्क्रीनशॉट बड़ा होगा कहीं ना कहीं, वो लास्ट पे शायद अभी भी बड़ा हो, वो जाके देखिएगा सारे वहाँ पे तमाम स्टेट के जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है उसमें जो है अभी देख लो, हाँ ये पोर्शन पड़ा हुआ पूरे का पूरा, ये तकरीबन कोई 35 पॉइंट्स है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को लेकर, यहाँ पे आप ग्लोबल अफेयर के ऊपर सारा लिख सकते हैं, यहाँ पे जी एम्पायर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स उसमें लिखा हुआ है HR ह्यूमन राइट्स पार्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस है जी, INGOs काम कर रही हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जी, जिनेवा अकॉर्ड है, वियना कन्वेंशन है, ICC है, देन ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होती है जी, वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस सबसे पहले अमेरिका को डिस्कस किया, अफगानिस्तान में जो उसने किया, इराक में जो किया, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स अब्यूजर है जी, और देन स्टिल स्लेवरी ब्लैक का इशू जो चल रहा है उसको डिस्कस किया, देन इंडिया के अंदर मोदीज़म क्या, कश्मीर एंटी मुस्लिम, बाबरी मॉस्क वो जो है क्या नाम है, हिजाब ट्रिपल तलाक, देन वो ईस्टर्न स्टेट के अंदर लिंचिंग, ये सारे पॉइंट 9 पॉइंट्स ये हैं, देन म्यांमार के अंदर एथनिक क्लिंजिंग ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम, देन पोलिटिकल सप्रेशन वहाँ भी हो रही है, डिटेंशन ऑफ
ऑक्शन सूची अभी सूची को निर्देश दिया आगे बात पूरी सुन लेते वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा। देन यूरोपियन यूनियन के अंदर भी क्लोज डोर पॉलिसीज हैं, इस्लामोफोबिया, डबल स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसराइल के अंदर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन है, इलीगल एनेक्सेशन है, चाइना के अंदर हांगकांग, ताइवान, सेंचोंग, ये वो हाँ ये लिखा हुआ तो है चाइना के अंदर हांगकांग, ताइवान और वो सेंचोंग जो सूबा है उसका जहाँ पे मुस्लिम प्रोसिक्यूशन होती है उस पर क्लियर पॉइंट लिखा हुआ है। देन उसके बाद सेंसरशिप है, वहाँ पे क्लोज मीडिया है। देन पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस इंटॉलरेंस है, मिसिंग पर्सन का केस था, वुमेन को लेके, चिल्ड्रन को लेके, कसूर इंसिडेंट को लेके, तो ये सारे ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये बड़ी डिटेल से इस पर डिस्कशन हुई है। तो आप अगर थोड़ा सबर करेंगे तो ये टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ पे, क्योंकि इनका तो आप वो कह रहे हैं बार बार के वाइंड अप करें बस, इससे आगे लेक्चर नहीं जाने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है करंट अफेयर के इनके साथ कहीं हुए हैं 32 के करीब लेक्चर हुए हैं, दो वो लेक्चर कंसिडर करते हैं एक दिन के, तो 14, 14, 2, 28 और फिर एक दो पहले वाले भी वो काउंट नहीं किए, तो वो कहते हैं जी बाकी की जो अकेडमीज हैं वो शाम हो कहीं जो है 18 लेक्चर देते हैं मैक्सिमम जो है करंट अफेयर पाकिस्तान को, तो हम जो है ऑलरेडी 50 प्लस लेक्चर चले गए हैं, तो ये चीजें होती हैं। फिर इसीलिए भी इसलिए थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर अब जल्दी जल्दी से स्किप करें। बाकी ये वाला तो ह्यूमन राइट्स वाला तो इनके फर्स्ट जो जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स और उनकी वायोलेशन और पूरी दुनिया के हिसाब से जिस तरह वो एक्सप्लेन किया हुआ, पूरे 3 ऐसे वहां से आप लिख लें, ये लास्ट वाले से पूरा आप 2 ऐसे बना सकते हैं, जो लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे आई थिंक 30 के करीब पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, तो 30 को अगर आप लेके रखेंगे तो ऑफ कोर्स जो है आप उसे वाइंड अप कर सकते हैं। तो अब इसीलिए थोड़ा आप नए हैं तो इसीलिए हर चीज को मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता फॉर अ सिंगल पर्सन, और मेरा यही मानना है कि जब भी कोई ज्वाइन करे तो वो शुरू से ज्वाइन करे, इस तरह बीच में जब आएंगे तो फिर वो आप लोगों को भी इंट्रोडक्शन होती है और बाकी लोगों को थोड़ा जो है वो यही लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस रखते हैं, अब करंट अफेयर आएगा तो वहां पे ये सारे दोबारा से डिस्कशन होगी, नया सेशन अगर स्टार्ट होता है तो। अच्छा जी बात करते हैं इस रीजन की, रशियन वाला रीजन, रशिया, नीचे मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, और देन ये वाला ईस्टर्न यूरोप वाला रीजन जिसमें एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, ये सारे का सारा ईस्टर्न यूरोप है, ये सारे का सारा रशिया है जी, ये नीचे कजाकिस्तान और ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जी, ये वाला चाइना है, दरमियान में मंगोलिया है और ये देन फार ईस्ट कंट्रीज यहाँ पे आ जाते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो ये वाला फार ईस्ट, आगे चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के ऊपर रशिया, रशिया के आगे कजाकिस्तान, ये वाला सारे का सारा रीजन क्या कहलाता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स। देन आप आगे चले जाएंगे तो वो यूक्रेन, यूक्रेन के ऊपर बेलारूस, बेलारूस के ऊपर जो है बल्गारिया, उसके साथ रोमानिया, रोमानिया के साथ आगे पोलैंड खड़ा है जी, तो ये सारे के सारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ईस्टर्न यूरोप स्टेट्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक सिविलाइजेशन डेवलप होती है जी 12,000 ईयर्स अगो, जिस तरह हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं डिटेल, ये टॉपिक डिटेल से क्योंकि ये पहले नहीं हुआ हुआ, तो इस पे हम अब डिटेल डिस्कशन करेंगे। इंटेंसिटी इस टॉपिक की जी मैक्सिमम है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर में, करंट अफेयर में, देन ऐसे डायरेक्ट इसमें से आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस रीजन के ऊपर, ऐसे के अलावा उनका यूरोपियन हिस्ट्री है, अमेरिकन हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशन है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इससे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और देन लेके आते हैं कि फंडामेंटल पॉलिटिक्स के ऊपर इसे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी बर्थ ऑफ केवियन सिविलाइजेशन, या जो ये पूरी सिविलाइजेशन है ये क्या थी, कैसे हुआ। पी के साथ भी लिखते हैं, ए के साथ भी लिखते हैं। जब हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि जितनी भी बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन हुई थी वो कहां पे हुई थी, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स हुई थी। वंस अगेन यहां पे एक नाइपे रिवर है जी,
उसके ऊपर ये कैमियन सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश होती है बिफोर 12,000 इयर्स अगो। 12,000 ये बीसी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी एक सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश होती है, नाइपर रिवर से कहते हैं। रशियन और यूक्रेनियन दोनों ये दावा करते हैं कि ये मदर सिविलाइजेशन है हमारी। तो वंस अगेन जो कंसेप्ट है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का वो स्टिल रेलिवेंट है यहाँ पे। दोनों रशियन लेकिन बाय बर्थ तो सेम है, मैं आगे आके बताता हूँ इसकी हिस्ट्री में एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुआ है, लेकिन प्योरली जो सिविलाइजेशन है एस्टेब्लिश हो रही है कहाँ पे भी ये वाला ये बेलरस है, ये ऊपर से ये लिखा हुआ भी है कि ये नाइपे रिवर आ रहा है यूक्रेन में से क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे केव है इसका कैपिटल, तो ये जो केव वाला इलाका है यहाँ पे एक्चुअली एक सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश होती है। आज भी उसका कैपिटल क्या है यूक्रेन का केव है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक सिविलाइजेशन बिफोर 12,000 इयर्स अगो जो है वो एस्टैब्लिश होती है। केवियन प्रिंसिपल सिविलाइजेशन भी इसे कहते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं केवियन रशियन प्रिंसिपैलिटी। जी आप क्या है जी केवियन रशियन प्रिंसिपैलिटी का मतलब ये है कि दोनों जो यूक्रेनियन है प्लस रशियन इसे क्या कंसीडर करते हैं, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन या मदर सिविलाइजेशन कंसीडर करते हैं कि यहां से एक्चुअली ऑर्गेनाइज हुई है दोनों की दोनों जो सिविलाइजेशन है। तो दोनों के दरमियान ये एक फंडामेंटल कंफ्लिक्ट है जी, और आज भी प्यूटन यही कहता है कि वी आर सेम, ठीक है। तो उसका एक ही एजेंडा है कि यूक्रेनियन और जो यहाँ के लोग हैं ये एक्चुअली एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, ये सेम एथनिसिटी के लोग हैं, जस्ट थोड़ा बहुत इनके दरमियान डिफरेंस है जिसको क्या कर रहे हैं अमेरिका और दूसरी स्टेट जो है वो क्या कर रही है एक्सप्लॉइट कर रही है। ये एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है जी। इसके बाद जब 1700 स्टार्ट होता है तो फिर ये देन आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइजेशन क्या होती है इमर्ज होती है, देन सिविलाइजेशन कोलैप्स होती है, देन फ्यूडलिज्म आता है, देन फ्यूडलिज्म के बाद वही जो यूरोपियन वाला मॉडल है सारे का सारा यहाँ पे अप्लाई होता है, और जब 1548 के बाद जो है वो स्टेट मॉडल आता है तो अगेन ये क्या है एक स्टेट का रूप में आती है, और ये किसका पार्ट है जी यूएसएसआर का पार्ट है, उस वक्त भी ये यूएसएसआर का पार्ट है, पूरी सिविलाइजेशन ऊपर वाले पे है, ये सारे एक ही रीजन के अंदर है, ये वाला सारा जो है ये सारे का सारा यहाँ पे क्या है ये सेंट्रल एशिया भी नीचे तक ये रशिया के अंदर भी इंक्लूड है। यहाँ पे रूल करते हैं कैथरीन वन, कैथरीन टू, देन कैथरीन थ्री, तो इस तरह ये कैथरीन का जब रूल होता है तो 1700 के अंदर कैथरीन वन जो है वो यहाँ से रशियन एथनिसिटी के लोगों को जो है वो भेजती है यहाँ पे यूक्रेन में, और वो कहती है कि वहां पे जाके लोग जो है यूक्रेनियन लैंड जो है उसे आबाद करें वसी, तो वहां पे एक फूड बास्केट की जो सिचुएशन क्रिएट होती है, आज भी यूरोपियन के अंदर यूक्रेन और जो रशिया है वो फूड बास्केट कहलाते हैं वर्ल्ड की, ग्लोबल फूड बास्केट इन दोनों को ही कहा जाता है, बल्कि ऐसे भी यही आया हुआ था कि एक्चुअली फूड क्राइसिस क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस दैट कंफ्लिक्ट। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, तो मैंने उस दिन भी आपको ये बताया था, बल्कि ये डिटेल बताई थी कि इस पे कौन कौन डिपेंडेंट है, टर्की की बताया था, देन बांग्लादेश मुस्लिम कंट्रीज में, तो ये चीज भी मैंने आपसे थोड़ी बहुत डिस्कस की। हाँ, पाकिस्तान ने भी यूक्रेन से पिछले साल जो है वो जब वीट क्राइसिस क्रिएट हुआ था तो हमने भी उन्हीं से इम्पोर्ट की। तो एक्चुअली जब 1700 होता है जी तो कैथरीन वन जो है ये कुछ इनहेबिटेंट्स जो है उन्हें भेज दिया कहाँ पे यूक्रेन वाले रीजन में, रशियन एथनिसिटी के लोग जो है उन्हें वहां पे भेजा जाता है।
मिशन एथनिसिटी के लोगों को ये क्या क्रीम वन वहां पे भेजती है, और होता ये है कि जी ये थोड़ा सा समझे इधर, ये वाला जो ईस्टर्न पार्ट है सारे का सारा रशिया वाला, ये थोड़े क्या है जी जंगजू टाइप है, मंगोल के साथ है इनका इंटरेक्शन। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाली जो स्टेट्स है ये थोड़े लड़ाके हैं, और ये वाली जो है ये थोड़ा पैसिफिक माइंड रखते हैं। तो यूक्रेनियन आज भी थोड़े बेचारे क्या है, एक्चुअली एग्रेरियन सोसाइटी थी, और सारा दिन अपना खेती बाड़ी के अलावा कोई लड़ाई झगड़े से इतना ये कुरेज करते थे, लेकिन इन्होंने जब वहां पे गया तो इन्होंने उसे कंट्रोल में कर लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रोल करते गया और पूरा रीजन जो है वो कैप्चर होता गया। 1800 के अंदर आके इन्होंने वहां पे जो यूक्रेनियन लैंग्वेज थी इसे बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद यहाँ पे कोई यूक्रेनियन नहीं बोलेगा, सिर्फ रशियन जो है वो बोली जाएगी, रशियन स्पीकिंग वुड ओनली बी टॉलरेटेड। तो यहाँ पे क्या है जी 1800 के अंदर यूक्रेनियन उसे बोलते हैं वैसे, या केवियन भी बोलते हैं। अब होता ये है कि आज की सिग्निफिकेंस में इसको ध्यान में रखना है आप लोगों ने, इधर जो ईस्टर्न यूक्रेन है जिसका बॉर्डर किसके साथ मिलता है, रशिया के साथ, तो इधर ज्यादा से ज्यादा इनहेबिट होते हैं कौन से लोग जी, रशियन एथनिसिटी के लोग। तो जो यूक्रेनियन एथनिसिटी के लोग हैं वो वेस्ट यूक्रेन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन में या अमेरिकन में अंदर देखें तो ईस्टर्न वाला पोर्शन जो है वो क्या है जी, आहिस्ता आहिस्ता वहां पे रेड इंडियन को पहले इधर वाले से जहाँ पे 13 कॉलोनीज बनी थी यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है ये 13 कॉलोनीज जहां से निकाल के जहाँ पे ले गए, जहां से आगे ये ग्रेट फाइव लेक्स हैं अमेरिका के अंदर, यहाँ से पुश करके इनको आगे ले गए, आगे से ले गए तो यहाँ पे एक मिसिसिपी रिवर आ रहा है ये वाला, ये मिसिसिपी क्रॉस करवा दिया, देन मिसिसिपी क्रॉस करवाने के बाद ये मिसिसिपी लिखा हुआ भी है, आगे अप्लाशियन माउंटेन की रेंज है, देन अप्लाशियन से क्रॉस करवा दिया। तो इस तरह देखें आहिस्ता आहिस्ता उनको थ्रो करते जा रहे हैं, इधर से किक आउट, इधर वाले इलाके से भगाते हैं उनको, यहाँ पे जाके वो बेचारे सेटल होते हैं, जब वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो देन वहां पे इन्वेड करके वहां से निकाल दिया, आगे धक्का दे दिया। तो वहां पे कहते होते कि अब आप वहां पे जाके आबाद हो जाएं, तो देन उसके बाद वो बेचारे आगे चले जाते हैं, तो उसके बाद वहां से फिर उन्हें धक्का दे दिया जाता है रेड इंडियन को, पहले उन्हें कहा जाता है कि ये वाला एरिया खाली कर दें, ये 13 स्टेट्स वाला, तो वो 13 वाला खाली करवा देते हैं, जब ये खाली हो जाता है तो देन उन्हें कहते हैं कि ये ग्रेट फाइव लेक्स है, ये वाला सुपीरियर लेक्स भी कहते हैं, लेक सुपीरियर जो है तो ये फ्रेश वाटर की जो लेक है इससे इसके ऊपर जाके वो बेचारे अपने आप को इनहेबिट करते हैं, जब यहाँ से आ जाते हैं तो इनको फिर आगे यहाँ पे धक्का दिया जाता है, तो आगे की मिसिसिपी रिवर है ये वाला आ रहा है, सबसे लंबा इधर है ये लिखा हुआ भी है मिसिसिपी की जो वादी है, इधर से इनको निकाल के मिसिसिपी पे लाया जाता है, देन मिसिसिपी से क्रॉस करवा के आगे ये लिखा हुआ है अप्लाशियन माउंटेन रेंज, तो ये अप्लाशियन से भी क्रॉस करवा के आगे कहा गया है कि आप आगे चले जाए। तो जब अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था तो वो कहता है जी एज लॉन्ग एज ग्रास ग्रोस एंड वाटर रन्स इट बिलोंग्स टू अमेरिकन, तो उन्हें कहता है कि जहां तक घास उग सकती है या जहां तक पानी बह सकता है वहां तक किसका रीजन है जी, अमेरिकन का है, तो आप लोग तो यहाँ के रहने वाले हो, आप यहाँ से निकल जाओ। सो दैट वाज द प्लान ऑफ एक्सटेंशन या एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ अमेरिका, द सेम पॉलिसी वाज एग्जीक्यूटेड हियर इन रशियन यूक्रेन रीजन। तो रशियन आहिस्ता आहिस्ता क्या कह रहे हैं जी, किक ऑफ कर रहे हैं ईस्टर्न यूरोप से निकाल के किधर ले जा रहे हैं, वेस्टर्न यूरोप की तरफ, यानी कि वेस्टर्न यूक्रेनियन रीजन की तरफ। तो ये इस तरह यूक्रेनियन वास यहाँ पे कल्चरल डोमिनेंसी भी कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अपने आप को क्या कर रहे हैं एस्टेब्लिश कर रहे हैं इस रीजन के अंदर। 1922 के अंदर जब स्टालिन ने वहां पे यूएसएसआर की बुनियादें रखी तो उस वक्त यूक्रेन किसका हिस्सा है, यूएसएसआर का। स्टालिन
डी यूएसएसआर लिखिएगा, मैंने पहले भी बताया हुआ है, डी लगाना है इसके साथ। स्टालिन एस्टैब्लिश्ड द यूएसएसआर, तो उस वक्त यूक्रेन भी इसका हिस्सा है जी, रशिया का, यूएसएसआर का है, लेकिन उनके अंदर एक इंटरनल ग्रज मौजूद है आज भी कि हम एथनिसिटी, हमारी एथनिसिटी जो है एक्चुअली वो सुपीरियर थी, रशियन इन्वेडर्स हैं, और वो माइंडसेट इनके दरमियान हमेशा एग्जिस्ट करता रहता है, जिस तरह हमारा और पाकिस्तान और इंडिया का है। जैसे वो कहते हैं कि मुस्लिम्स क्या है, इन्वेडर्स हैं, हिंदू कहते हैं हम जो है बाय बर्थ यहाँ के थे तो पहला राइट हमारा बनता है, ये फॉरनर है, और इनकी तमाम लैंग्वेज, इनका कल्चर, वो मैंने आपको मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया है कि वो क्या कहते थे कि ये फॉरन लैंग्वेज है, जहाँ पे वो हंटर कमीशन रिपोर्ट भी आई थी तो वहां पे, या फिर वो मैकडॉनल्ड ने जो कहा था और एंथोनी ने जो कहा था, वो सब यही कह रहे थे कि ये फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन पीपल है, तो लिहाजा इसको क्या किया जाए, हटाया जाए, और इसकी जगह पे जो लोकल भाषा है जो कि आर्यन की लैंग्वेज थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाए। तो इस तरह की डिमांड यहाँ पे भी अभी मौजूद है कि वो लोग कह रहे हैं कि ये जो आए हैं रशियन, ये एक्चुअली रशियन एथनिसिटी के लोग हैं, हम यहाँ पे एलियन हैं, हमारी एक अपनी पहचान है, हमारी अपनी लैंग्वेज है, हमारा अपना कल्चर है, अपनी सकाफत है, जिसको हम कभी भी सप्रेस नहीं होने देंगे। सो दैट वॉज द रीजन बिहाइंड दैट कंफ्लिक्ट उस वक्त तक, लेकिन अगेन सप्रेस करके दबा के इनको साथ रखा जाता है। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ये साथ थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ये साथ है यूक्रेन। जब 1991 आता है तो आपको पता है कोल्ड वॉर एंड होती है तो क्या होता है जी, डिसइंटीग्रेशन होती है किसकी, यूएसएसआर की। तो यहाँ पे आप सेकंड फेज देखेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा हिस्ट्री, एक बैकग्राउंड आपको बताया कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट कैसे हुई है, पूरी एनाटॉमी इसकी देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जी समझे अगेन इसको, this end of cold war and this integration of the USSR, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको पता है जी यूएसएसआर टूटता है, यूएसएसआर टूटता है तो ये स्टेट्स अलग हो जाती हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये वाला जो सारा रीजन है सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है ये सारी की सारी सेपरेट हो जाती है किससे, यूएसएसआर से। उसके बाद ये ईस्टर्न यूरोप वाली सारी स्टेट, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सारे के सारे जो ईस्टर्न यूरोप स्टेट्स हैं ये भी सारी की सारी सेपरेट हो जाती हैं किससे, यूएसएसआर से। तो इस तरह जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है तो कितनी आजाद स्टेट्स बनती है, 15 वैसे है लेकिन छठी वो 16वीं जो है वो बताते खुद यूएसएसआर है जो रशिया में है। तो 15 स्टेट्स बनती हैं जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, तो कितनी नई स्टेट्स इमर्ज होती हैं, 15 न्यू स्टेट्स इमर्ज, और ये वाली जिसमें सेंट्रल एशिया वाली और ईस्टर्न यूरोप वाली, ये सारी की सारी। इमर्जेंस ऑफ 15 new states बनती हैं, उनमें से एक है कौन सी, यूक्रेन भी। यूक्रेन इमीडिएट नेबर है जी, अगर आप रोमानिया को देखेंगे तो रोमानिया उसके आगे आ रहा है, पोलैंड भी उससे आगे है, बेलारूस जो है ये भी इमीडिएट नेबर है, लिथुआनिया, लेटविया, एस्टोनिया, तो ये सारे के सारे क्या है, ये ऊपर वाली बाल्टिक स्टेट कहलाती है, ठीक है, ये जेन में रखेगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे की सारी क्या है, बाल्टिक स्टेट में जाते हैं। और ये नीचे वाला ईस्टर्न यूरोप है, इसमें जो इमीडिएट नेबर है वो एस्टोनिया है, लेटविया है, लिथुआनिया है, बेलारूस है, और उसके बाद यूक्रेन है, और यूक्रेन के बाद ये नीचे सेंट्रल एशिया। तो ये सेंट्रल एशिया तो आज भी समहाउ किसके साथ खड़ा होता है,
रशिया के साथ ही खड़ा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है यूरोप, ईस्टर्न यूरोप के अंदर, तो एक्चुअली यहाँ से कंफ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तो आजाद हो जाता है जी यूक्रेन, इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया जाता है कब, 24 अगस्त 1991 को, ठीक है। तो 24 अगस्त हमारा 14 अगस्त है, तो उनका क्या है 24 अगस्त डिक्लेयर, चौबीस 1991 को क्या हो जाता है जी, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट इसे डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आज बड़ा उसको हिट भी किया जाता है, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो उस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो भी क्या हुए थे, डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, इनके स्टेट के दरमियान गया थे जी वो यूक्रेन, रशिया तो मदर स्टेट है तो डेफिनेटली उसके पास तो होंगे डॉटर, सबसे पहले था जी कजाकिस्तान, दूसरा कौन सा था वो था यूक्रेन, और तीसरा यूक्रेन के ऊपर कौन सा खड़ा है बेलारूस। तो तीन स्टेट को न्यूक्लियर वेपन जो है वो इनहेरिट किए थे उन्होंने कहां से, मदर स्टेट से। यहाँ पे मदर स्टेट कौन है, रशिया है, और आगे ये सारी की सारी क्या है डॉटर स्टेट्स है उनकी जो उससे बाद में इमर्ज हुई है। तो एक्चुअली यहाँ पे न्यूक्लियर एंगल इसका ऐड करें तो 1991 में जब ये सेपरेट हो रहा है तो यहाँ पे इसको न्यूक्लियर वेपन मिल रहे हैं, इसमें ICBM भी इन्हें मिले थे, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मैंने आपको पढ़ाया है न्यूक्लियराइजेशन वाले टॉपिक में, तो इन्हें ICBM मिलते हैं, देन साथ इसके क्या मिलता है जी न्यूक्लियर वॉरहेड्स मिलते हैं और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी मिलते हैं। 174 जो है यहां से आगे सारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, वो वाला तो थोड़ा सा था चलो, लेकिन यहां से क्वेश्चन और सारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कीजिएगा। ये वाला क्या जी न्यूक्लियर एंगल, इसमें कितने हैं, ICBM मिलते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये इन्हें मिलते हैं 174, देन वॉर हेड्स मिलते हैं इन्हें, और इसके अलावा इन्हें बॉम्बर्स भी मिलते हैं। तो ये नंबर उनके लिख लें, ये जो वॉर हेड्स हैं इनका नंबर है 12-12-94 या न्यूक्लियर वेपन्स, और जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं और जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं ये इन्हें मिलते हैं, ये है 44। ये जी इनहेरिट कर लेता है, वैसे बाय द वे इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जितने भी न्यूक्लियराइजेशन वाला काम हो रहा था यूएसएसआर के अंदर भी वो किस रीजन में हो रहा था, एक्चुअली यूक्रेन वाले रीजन में, ठीक है। तो इसीलिए भी इनका न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो है या न्यूक्लियर इंटरेस्ट जो था यूक्रेन का अच्छा था, यानी कि दे नो अबाउट द पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी फाइनेंसेस ऑफ द वॉरहेड्स। तो ये प्रॉब्लम था जी। अब होता क्या है, ये जो तीनों स्टेट्स हैं इन्हें परसू करती हैं, इन्हें परसुएड करती हैं तीन बड़ी स्टेट्स, उसमें यूएसए, अमेरिका, रशिया और यूरोपियन यूनियन वाले, जो अभी उस वक्त यूरोपियन यूनियन नहीं बनी, उसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी और ये वाला जो ब्लॉक है ये सारे का सारा परसुएड करता है इन तीन कंट्रीज को, और इन्हें कहता है कि भाई आप ऐसा करें कि ये जो न्यूक्लियर वॉर हेड है ये आप वापस कर दें किसको, रशिया को, और आपकी सिक्योरिटी हम इंश्योर करवाते हैं। तो कौन सी स्टेट्स हैं यहाँ पे, तीन स्टेट, यूएसए, रशिया और देन ईस्ट वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं, ये कह रही हैं किसे, यूक्रेन को प्लस बेलारूस को, साथ में नीचे कौन है जी, कजाकिस्तान, तो तीनों को कह रही हैं जी कि आप ये जो न्यूक्लियर वॉर हेड आपको इनहेरिट हुए हैं ये आप वापस दे दें कि नहीं रशिया को, और हम आपको न्यूक्लियर सिक्योरिटी की अश्योरेंस दिलवाते हैं। तो ये उस परसुएशन के अंदर आके तीनों की तीनों अपने वॉर हेड्स किसे वापस कर देती हैं, रशिया को। तो इस तरह इन्होंने कंप्रोमाइज किया अपनी सोवरेनिटी के ऊपर। ये बात होती है बुडापेस्ट एग्रीमेंट होता है जी, हंगरी का कैपिटल भी है, बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस,
उसमें ये था कि जब एसेट डिवाइड किए गए थे तो ये देखा गया था कि किसका कितना रोल था, तो इन तीन का बेसिक रोल था इसके अंदर, ठीक है। तो वो इसीलिए स्टेट ने कहा था कि जी इन तीन को जाने चाहिए, बाकी की तो इसमें रोल ही नहीं है तो उनको हम क्यों दे। और दूसरी बात ये भी थी कि वेस्टर्न कह रहे थे कि नॉन प्रोलिफरेशन, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी स्टेट को कंटेन किया जा सकता है उनको कंटेन करें, उन्हें ना दें न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये भी रीजन थी। तो ये दो वजूहात थे। तो यहाँ पे बड़ा सिक्योरिटी मेमोरेंडम इसके अंडर क्या किया जाता है, एश्योर करवाया जाता है कि नहीं, सिक्योरिटी एश्योरेंस भी आप लिख लें। रशिया, यूके, यूएसए एश्योर करवा रहे हैं किसे, तीनों को, यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस को, कि आप ये न्यूक्लियर वेपन वापस कर दें, हम आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। और वो जिम्मेदारी सही वाली नहीं होती। ये साइन होता है 1994 के अंदर, ठीक है। रशिया भी होता है, हाँ जी रशिया भी कह रहा है 5 दिसंबर 1994। पांच दिसंबर 1994 बड़ा पे सिक्योरिटी मेमोरेंडम अश्योरेंस जो है ये एक्चुअली दिया जाता है जी, ऑन सिक्योरिटी अश्योरेंस। तो ये कब साइन हो रहा है जी, दिसंबर 5, 1994 में। ये अश्योर करवा रहे हैं कि आप जो है ये सारे का सारा मटेरियल न्यूक्लियराइजेशन की तरफ ना जाए, हम आपको अश्योर करवाते हैं कि हम आपको बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ये हो रहा है रशिया और ये जो तीन मदर स्टेट प्लस डॉटर स्टेट्स के दरमियान हो रहा है, और अश्योर करवा रहे हैं फॉरेन एक्टर्स इसमें। अब यहाँ पे एक टसल स्टार्ट होती है जी यूरोप की और किसके साथ, दूसरा कौन है जी, रशिया के दरमियान। यूरोप क्या करता है यहाँ पे, यूरोप की कोशिश ये है कि जितने भी ईस्टर्न यूरोप वाले कंट्रीज हैं उन्हें अपने साथ मिला ले, उनको यूरोपियन यूनियन में लेके आए, या फिर क्या करे उनको नेटो की मेंबरशिप दे। अब जब नेटो की मेंबरशिप देंगे यानी कि ब्लॉक पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पे, तो यूरोप क्या कर रहा है, वेस्टर्न यूरोप क्या कर रहा है, अपना ब्लॉक एक्सपेंड कर रहा है। तो लेकिन दूसरी तरफ जो रशिया है वो कहता है कि ये जो 15 स्टेट्स हैं जो मेरे से अलहदा हुई हैं, ठीक है मैंने इनको आजादी तो दे दी है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये हमारे जो है अपोनेंट ब्लॉक जो है या एनिमी ब्लॉक जो है उसमें जाके बैठ जाए। अगर ये उसमें जाके बैठेगी तो डेफिनेटली इससे हमारा अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होगा। तो यहाँ पे इसे ऑब्जेक्शन है रशिया को, ये वाला क्या कर रहा है, वेस्टर्न ब्लॉक क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है यूरोपियन यूनियन की, प्लस क्या कर रहा है नेटो की मेंबरशिप दे रहा है उन्हें। तो जब वहां पे नेटो की मेंबरशिप मिलेगी तो वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज भी होंगे, वहां पे आप न्यूक्लियर नुक्स भी डिप्लॉय करेंगे, वहां पे अगर ये काम करेंगे आप तो रशिया को वहां पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इंक्रीज करना पड़ेगी कि नहीं पड़ना, तो ये चीज भी एक आएगी। दूसरा प्रॉब्लम उसका ये है कि कल कहीं हमारे दरमियान कोई वॉर होती है तो ये जो इमीडिएट नेबर है ये एज ए टूल यूज हो सकते हैं अगेंस्ट रशिया। तो इसीलिए उसे एतराज है रशिया को कि आप वेस्ट को ये कहता है कि आप ये काम ना करें, जो वो 15 स्टेट्स हैं इन्हें आप परसुएड ना करें, हमने उनको आजादी दी है, इसका हरगिज हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर वो खुद ज्वाइन करना चाहे, खुद करना चाहे तो भी वो कहता है कि नहीं आप ऐसा ना करें। रशिया को ऑब्जेक्शन है, अभी खुद ही तो ज्वाइन करना चाहते हैं, आगे मैं बात करता हूँ इसके ऊपर। तो लेकिन दोनों ग्रुप के इंटरेस्ट है, तो वो एक ऐसा एग्रीमेंट चाहता है रशिया इनके साथ, एक ऐसा एग्रीमेंट चाहता है जिसमें वो कहता है कि 15 जो है वो ऐड ना हो, लेकिन उसमें से काफी ज्यादा हो गई है, 13 के करीब आ गई है, तो 2-4 बची हुई है। तो अब रशिया ने उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट किया। तो इस 10-15 साल के पीरियड में 90 में जब डिसइंटीग्रेशन हुई है तो 2010 तक 20 साल के पीरियड के अंदर काफी सारे जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं इन्होंने ज्वाइन कर लिया किसे, नेटो को, नेटो प्लस यूरोपियन यूनियन। तो जब इन्होंने ज्वाइन किया तो डेफिनेटली उस पे ये बार बार क्रिटिसिज्म कर रहा है रशिया के, आप बाज आ जाए, इससे हमारा सिक्योरिटी इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है और आप ये काम ना करें। दूसरा जो बेसिक प्रॉब्लम है रशिया को
आपको पता है नॉर्थ स्ट्रीम वन और नॉर्थ स्ट्रीम टू जो है दो गैस पाइपलाइंस है किसकी, रशिया की, जो कि सप्लाई देते हैं यूरोप को, जहां पे खड़ा है जर्मनी। तो ये ऊपर आप जो उधर बैठे हैं वो उधर देखें, जो इधर है वो इधर देखें, यहाँ पे आज रशिया, ये है मॉस्को, मॉस्को से आगे है ये सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग से ये जाती है जी फिनलैंड में, फिनलैंड से जाती है स्वीडन में, स्वीडन से नीचे आती है ये बाल्टिक सी में, और बाल्टिक सी से नीचे ये चली जाती है जर्मनी में। तो इस तरह ये नॉर्थ स्ट्रीम वन और नॉर्थ स्ट्रीम टू जो है दो गैस पाइपलाइन है जो कि सप्लाई देती है किसको, यूरोप को। अब जब यहाँ पे नेटो आ जाएगा फिनलैंड में, यहाँ पे लेटविया में, एस्टोनिया में, लिथुआनिया में, बेलारस में, बेलारस तो खैर अभी भी रशिया के साथ ही है, तो यूक्रेन में, तो वो कहते हैं कि इधर भी हम अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखें, ऊपर वाला भी वोलेटाइल रीजन हो जाएगा, यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हमारी पाइपलाइन गुजर रही है, ये उसको हर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये रशिया की एक अप्रोच है कि ये वाला रीजन जो है ये मेरे इन्फ्लुएंस के अंडर ही रहे तो बेहतर होगा, ताकि यहाँ पे कोई वॉर लाइक सिचुएशन हुआ है क्रिएट ना हो सके। लेकिन ये वाला जो है वेस्ट यूरोप है प्लस अमेरिका, ये कहते हैं कि जितना हम ज्यादा क्लोज जा सकते हैं रशिया के, जितना हम ज्यादा इसको थ्रेट कर सकते हैं उतना ज्यादा करें। तो ये एक्चुअली दोनों के दरमियान फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। अब बुडापेस्ट सिक्योरिटी मेमोरेंडम अश्योरेंस 1994 के अंदर हो जाता है। अब यहाँ पे एक टसल स्टार्ट हो जाती है, जब प्यूतन आता है पावर में 2000 के अंदर, तो सबसे पहले वो यही कहता है कि वो जो हमने अपनी ग्रेट ग्लोरी जो है जिसे लॉस किया है उसको अब हमने दोबारा से अटेन करना है। तो वो अगेन इन स्टेट्स को जो है अपने साथ इंगेज करने की कोशिश करता है, ये जो सेपरेट हुई थी, और उन्हें कहता है कि आप इसमें रहें, प्रो रशियन ब्लॉक के अंदर रहें। ये एक 2000 के अंदर रशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाता है, तो उसमें इनको कहता है कि आप आगे उसका हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं जी, ये इनकार कर देते हैं। ये 2003 के अंदर है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन लिख लें अगर, ये 2000 से ऑनवर्ड है। जिस तरह यूरोपियन यूनियन है उसी तरह ये अपना ब्लॉक बना रहे हैं। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाता है जी कौन, रशिया, और ये क्या कह रहा है कि आप हमारे ब्लॉक में आ जाएं। ये 2000 के अंदर लॉन्च की जाती है। पहले इन्फ्लुएंस था, अभी मैं आगे सारी बातें बताता हूँ तो आपको बड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा। इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, प्रो रशियन प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आएंगे। जब प्रो रशियन प्रेसिडेंट आएंगे तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह CIA इन्वॉल्वमेंट करती है और पूरा ऑपरेशन करके उस प्रेसिडेंट को हटा देती है। तो जो अमेरिका कहता है कि मैंने कभी इंटरफेरेंस नहीं की, वो खुद रशिया भी एक्सेप्ट करता है, पूरी दुनिया को पता है कि वो ऑपरेशन किसने एक्चुअली बैक किया था, वो CIA ने किया। आगे मैं अभी बात बताता हूँ, ऑरेंज रेवोल्यूशन के ऊपर बात करते। यहां पे 2000 के बाद अब रशिया क्या करता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इनहांस करता है जी और एक्सपेंड करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, और वो स्टेट्स जो उसने लॉस कर दिए थे 1991 के अंदर वो दोबारा से उन्हें रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जो सारे का सारा ये वाला है जी, इधर वाला ब्लॉक, ये इन्हें दोबारा अपनी हरकतें तेज कर देता है कि नहीं हमने इनको अपनी तरफ खींचना है, और वो कहता है हमने अपनी तरफ खींचना है। दोनों के दरमियान एक टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो गया है दोनों ब्लॉक्स के दरमियान। तो वो इन स्टेट्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो अपनी तरफ परसुएड कर रहे हैं। 2000 के बाद जहां पे एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट आ जाते हैं, ठीक है, 2000 के बाद तो रशिया वहां पे इन्फ्लुएंस करता है इलेक्शन के अंदर। तो आपको पता है जो ईस्टर्न रीजन है वो सारे का सारा कौन सी एथनिसिटी रखता है, रशियन एथनिसिटी, और वेस्टर्न पार्ट जो है यूक्रेन का वो कौन सा है, यूक्रेनियन एथनिसिटी रखता है। तो ये जो ईस्टर्न बॉर्डर वाला सारे का सारा इलाका है वो एक्चुअली क्या है जी, वो सारे का सारा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। तो रशिया यहाँ पे इन्फ्लुएंस करके किसे कर लेता है जी, यहाँ पे एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट लेके आता है 2003-04 वाले पीरियड में। 2005 के अंदर
सीआईए को ये बात पसंद नहीं आती कि ये जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट है, नाम क्या है उसका, किसी को है आइडिया? प्यूटन नहीं है, इलेक्शंस इन यूक्रेन और यहां पे प्रो रशियन प्रेसिडेंट नाम उसका लिख लें जी, लेनिन कुचमा। इधर तो वाई से लिखा हुआ है। हाँ जी, इधर वाई से लिखा हुआ है, नाम भी बड़ा है। ये प्रेसिडेंट उस वक्त होते हैं जी, प्रो रशियन प्रेसिडेंट है जी, वो इससे पहले वाला है जो वो जैनकोविच बाद में आएगा तीसरा प्रेसिडेंट, जो अभी उस पर भी बात करते हैं, सब्र करके पहले। लेनिन कुचमा जो है ये क्या करते हैं जी, ये वहां पे प्रेसिडेंट है, तो अब ये क्या है, प्रो रशियन प्रेसिडेंट है, तो ऑफ कोर्स ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आती। अमेरिका ये कहता है कि ये बिल्कुल नहीं ऐसा होगा कि रशिया अपना इन्फ्लुएंस दोबारा से बढ़ा रहा है और अगेन रशिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में आ रहा है, तो अमेरिका डेफिनेटली इस चीज के एग्री नहीं करता। और यहाँ पे एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है जिसे क्या कहता है, ऑरेंज रेवोल्यूशन इन यूक्रेन। ऑरेंज रेवोल्यूशन इन यूक्रेन ये होता है 2005 के अंदर। ये ऑपरेशन जो है सीआईए बैक्ड ऑपरेशन है, ठीक है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है अमेरिका की वो इसे बैक करती है। एक्चुअली तो ये सीक्रेट ऑपरेशन था जी कि हटाया जाए इसको जो है कुचमा को, लेकिन बाद में ये एक्सपोज हो जाता है कि ये सारे का सारा एक्चुअली जो इंटरनल इनसिक्योरिटी प्रोड्यूस किया ये किसने किया है जी, अमेरिका ने किया, और यूक्रेन के अंदर एक सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन होती है, तो उस सिविल वॉर में जो वहां पे लोकल लोग हैं वेस्टर्न यूक्रेन वाले, उन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है जी, सीआईए उन्हें सपोर्ट करके खड़ा कर देती है कुचमा के अगेंस्ट, तो ये प्रो रशियन प्रेसिडेंट होता है, तो यहां पर हो जाती है सिविल वॉर। जब ये सिविल वॉर होती है ये जो कुचमा है क्या है जी, प्रो रशियन था, तो ये जब इसको अपनी जान का खतरा पड़ता है तो ये रशिया भाग जाता है। कुचमा लेड टू रशिया, अच्छा जी, ये ऑरेंज रेवोल्यूशन 2005 वाला सारे की सारी स्टोरी है। 2005 में ये जब चीज हो जाती है तो अब अगेन रशिया अपनी एफर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन और नेटो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों अपने साथ मिलाएंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है नीचे एक सिटी है, अगर वहां पे आपको नजर आ जाए तो ये आपने मोबाइल पे देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है सिवास्तापोल का, ये इसके अंदर है सिवास्तापोल, ये ब्लैक सी के अंदर है जी, अगर उधर देखेंगे तो आपको कहीं लिखा हुआ नजर आएगा, क्रीमिया का जो नीचे वाला पोर्शन है वहां पे एक सिटी है बिल्कुल नीचे कॉर्नर के ऊपर, पोर्ट है जी बहुत इंपॉर्टेंट, उससे हम कहते हैं सिवास्तापोल। इधर नहीं लिखा हुआ तो आप अपने मोबाइल पे गूगल करके देख लीजिएगा, सिवास्तापोल की पोर्ट है जहां पे ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, हाँ ये लिखा हुआ है ब्लैक सी के अंदर, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ब्लैक सी के साथ ये है जी क्रीमिया, तो क्रीमिया का एक
नीचे सिटिया जैसे हमारे ग्वादर पोर्ट है, इसी तरह वहां पे है सिवास्तापोल। तो शुरू से यानी कि जब रशियन सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट यानी कि जो बर्थ है टिल टू दैट डे सिवास्तापोल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रही है। क्यों? क्योंकि रशिया आप देखें ऊपर से सारी बर्फ है ये वाला रीजन, जब सर्दियां आती है तो ये वाला रीजन भी क्या होता है मुंजमद हो जाता है। तो अगर उन्हें सी रूट चाहिए या दुनिया से कनेक्टिविटी करनी है तो वो एक ये वाला इंपॉर्टेंट रूट बचता था सिवास्तापोल की जो पोर्ट है, और यहाँ से ये इस्तांबुल और देन ये नीचे आ जाता था मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी से ये इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो जो एक इंपॉर्टेंट शहर जो है या जो पोर्ट है वो बचती है वो कौन सी है सिवास्तापोल की। तो सिवास्तापोल को लेके रशिया के बहुत सारे कंसर्न थे, तो रशिया हमेशा यही कोशिश करता था कि कहीं ना कहीं ये जो सिवास्तापोल वाला क्रीमिया वाला रीजन है इसे दोबारा से नेक्स कर लिया जाए, इसे रशिया का हिस्सा बना लिया जाए और जो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसे इंश्योर करवा लिया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे क्रीमिया के साथ नीचे। तो यहाँ पे क्या है जी, कौन सा सिटी है जी, सिवास्तापोल। सिवास्तापोल के ऊपर दो ये स्टेट्स हैं उसी के साथ क्रीमिया के साथ जुड़ी हुई, एक तो डोनेट्स्क और दूसरी कौन सी है लुहांस्क। लुहांस्क और डोनेट्स्क जो है ये दोनों साथ साथ हैं और उसके नीचे क्या है क्रीमिया। तो ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है एक्चुअली ये जो साइड पे निकला हुआ है अगर उधर आप देखेंगे तो नीचे से जो है एक साइड कॉर्नर सा बना हुआ है नीचे यूक्रेन का, नीचे देखेंगे तो वो जहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ सी एच आई एस वाला, उससे नीचे वाला जो छोटा सा पेनिनसुला टाइप की जगह है ये सारा क्रीमिया है। क्रीमिया के ऊपर क्या है लुहांस्क और डोनबास्क, वो जो रीजन ऐसे अंदर की तरफ गया हुआ रशिया के, तो ये वाला रीजन जो है सारे का सारा क्या है लुहांस्क और डोनबास्क है, उससे नीचे वाला रीजन कौन सा है क्रीमिया है, और क्रीमिया का जो बिल्कुल नीचे वाला टिप है वहां पे क्या है कि सिवास्तापोल है। तो इस तरह आप देखें कि रशिया को अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहिए तो वो क्या करे ये वाला पूरा रीजन कैप्चर करे और नीचे जो क्रीमिया के साथ सिवास्तापोल का पोर्ट है वो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उसे इंश्योर करवाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल था यहाँ पे इस वॉर के पीछे भी, और रशिया हमेशा हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि ठीक है पूरा यूक्रेन अगर हमें ना भी मिले तो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे प्रो रशियन एथनिसिटी के लोग हैं तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो ये एक्चुअली इस तरह की सूरत हाल है यहाँ पे। इसको थोड़ा और समझने के लिए आप ये भी देख लें कि रशिया के अंदर जो एथनिसिटी है वहां पे 80% यूक्रेनियन है और 20% रशियन स्पीकिंग है, यानी कि दोनों एथनिसिटी के लोग हैं। यहाँ पे अगर उसकी डेमोग्राफी देखें लेकिन उस पे कोई बड़ा पोर्ट नहीं है ग्वादर का, तो हमारा कितना लंबा सी रूट है लेकिन हम ग्वादर पे क्यों बात करते हैं, एक नेचुरल सी पोर्ट है। तो वो सिवास्तापोल एक नेचुरल सी पोर्ट है अरसा दराज से जो है, ठीक है। तो वो कोल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमेशा एक मिलिट्री बेस के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। तो हमारे पास भी तो आप ये देख रहे होंगे कि वो सारा सी तो कनेक्टेड है रशिया के साथ, तो रशिया उधर से क्यों नहीं कर सकता, तो वो इसलिए नहीं कर सकता जैसे हम कहते हैं कि जी एक लंबी स्ट्रिप तो है हमारे पास लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है ग्वादर है। तो ये इसी तरह सिवास्तापोल है। डेमोग्राफी अगर इसकी देखी जाए तो इसमें ओवरऑल डेमोग्राफी में ये है जी 80% कौन है यूक्रेनियन है, 20% कौन है रशियन है। ये पूरे यूक्रेन की बात की जा रही है। इन 20% का जो मैक्सिमम है जी वो ईस्टर्न रीजन के अंदर है यहाँ पे लुहांस डोनबास्क और नीचे वाला जो है क्रीमिया वाला। तो ये मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है रशियन स्पीकिंग लोगों की वो कहाँ पे है इस रीजन में ईस्टर्न यूक्रेन वाला जो रीजन है वहां पे है ये रशियन स्पीकिंग लोग। अब अगेन टसल है जहां पे भी पोलराइजेशन है विदन द सिविल वॉर भी चल रही है। ये वाले जो है ईस्टर्न यूरोप वाले यूक्रेन वाले ये चाहते हैं कि किसके साथ मिला जाए रशिया के साथ, वेस्ट वाले क्या चाहते हैं जी किसके साथ मिला जाए यूरोपियन यूनियन के साथ। एक तीसरा न्यूट्रल ग्रुप भी है जिसकी अपनी बात है। तो थ्री काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जी।
एक क्या है जी प्रो रशियन है जी, कौन से वाले ईस्टर्न यूक्रेन वाले हैं, दूसरे कौन से हैं जी वेस्टर्न यूक्रेन वाले क्या है प्रो यूरोपियन यूनियन है, ये आगे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कि ईस्टर्न यूरोप वाले जो यूक्रेन वाले हैं वो क्या है जी प्रो रशियन है और वेस्टर्न यूक्रेन वाले प्रो यूरोपियन है, यूरोपियन यूनियन है। और एक तीसरा जी इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट भी है, यह नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, वो कहता है कि हम दोनों तरफ ना जाए, हम एक आजाद फॉरेन पॉलिसी लेके आए, हम एक ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा ही ना बने, दोनों यही कह रहे हैं। ये नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ये तीन है जी प्रो रशियन प्रो यूरोपियन यूनियन और देन नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, तो ये थ्री काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट है। 2005 का जब ऑपरेशन होता है तो लेनिन कुचमा को जो है वो हटा दिया जाता है, अब जहां पे अगेन किसकी हुकूमत आ गई है जी वो जो रेवोल्यूशन लेके आए थे यानी कि ऑरेंज रेवोल्यूशन को जिन्होंने सक्सेसफुल बनाया था वो कौन थे, प्रो यूक्रेनियन थे, वेस्ट जो यूरोपियन थे और वेस्टर्न यूक्रेनियन लोग थे उन्होंने इसको इंश्योर करवाया था। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी आ गई है जी वेस्ट वाले थे यानी कि वेस्ट यूक्रेनियन के लोग जो है जो यूरोपियन यूनियन के साथ खड़े थे, अब वो ये कहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन में भी चले जाए, हम नेटो भी ज्वाइन कर लें। अब उससे प्रॉब्लम क्या होगा, ये है यूक्रेन का बॉर्डर, एक पोरस बॉर्डर है जी, बहुत लेंथी बॉर्डर है यहाँ पे रशिया के साथ। अगर यहाँ पे यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनता है तो सबसे पहले तो क्या हो गया जी, जहां पे जितनी भी पॉलिटिक्स होगी जितनी भी इकोनॉमी होगी सारी की सारी किसके हाथ में चली जाएगी, यूरोपियन यूनियन के अंदर चली जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि रशिया और यूक्रेन की आपस में इकोनॉमिक टाइज बहुत स्ट्रांग है, तो अगर वो कहते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन के अंदर चले जाएंगे तो सारे की सारी जो पॉलिटिक्स होगी यहाँ पे वो किसके अंदर चली जाएगी, यूरोपियन यूनियन की, तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हर्ट हो जाएगा। तो ये तो पहला स्टांस है उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके, यहाँ पे लिख लें। दूसरा जो मेजर स्टांस है उनका यूरोपियन यूनियन को लेके या नेटो को लेके, वो ये कहते हैं कि जब ये यूक्रेन नेटो ज्वाइन करेगा तो नेटो यहाँ पे अपनी क्या करेगी, डिप्लॉय करेगी फोर्सेस को, डिप्लॉय करेगी नूक्स को, डिप्लॉय करेगी अपनी आर्मीज को, यहाँ पे होंगी क्या एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी, जिसकी वजह से यहाँ से थ्रेटन किया जाएगा किसे, रशिया को। और ये एक्चुअली उनका आइडिया है यही, क्यों, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो ये देख रहा है कि पिछले दो डेकेड से रशिया दोबारा डिवाइड कर रहा है, युद्ध के बाद रशिया हालांकि जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से माल दाड़ करके 1991 में डिसइंटीग्रेट किया 90 में, अब दोबारा रशिया का रिवाइवल हो रहा है, तो वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हर्ट कर रहा है किसके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। तो वो कहता है कि दो हमारे राइवल है यहाँ पे, एक तो रशिया है दूसरा कौन सा है चाइना, तो जितना हमें चाइना को काउंटर करना है उसी तरह हमने रशिया को भी काउंटर करना है अगर हमने दुनिया को यूनिपोलर वर्ल्ड रखना है, यानी कि अगर हमने अमेरिकन सुपरमेसी जो है उसे ही रूल करवाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों को काउंटर करना होगा, कौन सी पावर है दो अब यहाँ पे चाइना और रशिया, तो इसीलिए ये रशिया के ऊपर इधर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये होगा कि यहाँ पे जब उनकी प्रेजेंस है तो फोर्स मिलिट्री इंटरेस्ट भी गया, हार्ड पावर वाले काल मैंने पढ़ाए थे ना आपको, तो पावर में मिलिट्री वाला भी जब इनका कंट्रोल आ जाएगा तो पावर क्या हो गई, डाइल्यूट हो गई। दूसरा टूल कहाँ पे, वो कहाँ पे क्या था, इकोनॉमी का, तो जब इकोनॉमी भी कंट्रोल कौन करेगा, यूरोपियन यूनियन, तो अगेन क्या पावर डिल्यूट होगी, रशिया की, यहाँ पे तो ये हो गया, बेलरस खैर इन्हीं के साथ ही खड़ा है। ऊपर ये वाली जो स्टेट्स हैं यहाँ पे भी क्या है जी, यहाँ पे भी यूरोपियन यूनियन प्लस कौन खड़ा है, नेटो खड़ा है, तो यहाँ पे इसका सारा जो रूट है जो वेस्ट की तरफ है नॉर्थ स्ट्रीम वन और नॉर्थ स्ट्रीम टू वाला, वो भी कौन कंट्रोल करेगा, यूरोपियन यूनियन। तो इस तरह एक इंसर्कलमेंट की पॉलिसी है, इसे रशिया क्या कहता है, कर्टेलमेंट पॉलिसी या इंसर्कलमेंट पॉलिसी यूरोपियन यूनियन की, ये हमें इंसर्कल करते जा रहे हैं चारों तरफ से, और इधर से यहाँ पे भी ये क्वाड बना रहे हैं ये पैसिफिक के अंदर, तो यहाँ पे क्वाड में जापान इसका हिस्सा है, तो अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इधर भी ये बाउंड्रीज पे हमें कंटेल कर रहे हैं, इधर क्वाड के साथ ऑकस बना लिया ऑस्ट्रेलिया वाला, ये वाला रीजन भी काउंटर कर लिया, देन यहाँ पे इंडिया के साथ बीका लेमुआ कॉम्पास सारे के सारे I2 U2
सारे साइन करके ये भी, और देन यहाँ पे आ गया तो इधर से सारे का सारा यूरोपियन यूनियन है, और इधर से भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पे जा रहे हैं। तो इससे वो कहता है कि ये इनसर्कलमेंट पॉलिसी है किसकी, वेस्ट की प्लस अमेरिका की। समझ आई मेरी बात की कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो दोबारा समझा देते हैं। इनसर्कलमेंट पॉलिसी रशिया कहता है किसकी है जी, वेस्ट प्लस यूएसए। यूएसए इन सारी दोनों स्टेट्स को, चाइना प्लस रशिया को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है चारों साइडों से। यहाँ पे इसने क्वाड साइन किया हुआ है अमेरिका ने, क्वाड के में अभी एमसीक्यूज भी आया हुआ था जापान। ये एक साइड पे लिख लीजिएगा, उसके बाद इन पे बात करते हैं एक्चुअली अगर क्या हुआ है।
उल्टा थोड़ा सा ये वैसे मैंने सीक्वेंस के साथ लिखा है, लेकिन आप उल्टा भी लिख सकते हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं। अब 2010 तक जो है वो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती आती है दोनों की, एक तरफ कौन खींच रहा है रशिया, दूसरी तरफ कौन खींच रहा है यूरोपियन यूनियन। अब 2010 के अंदर आके विक्टर यानुकोविच, ये वाला वाला है, ठीक है, विक्टर यानुकोविच जो है ये प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं यूक्रेन के, और ये क्या है प्रो रशियन प्रेसिडेंट है। समझ आ गई? 2010 से लेके 2014 तक प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? आप ये इस तरह ना लिखें तो आप इस हेडिंग के बाद ये जो ऑरेंज रेवोल्यूशन लिखा है इसके बाद आप उसका पीरियड लिखें विक्टर यानुकोविच का, इसलिए मैंने थोड़ा उसको सेपरेट लिखा है। आप भी क्या करें उसे सेपरेट ही लिखें, एक साइड पे ये तीन का बना लें ब्लॉक या इनके ऊपर कहीं टॉप पे लिख लें। इस पॉइंट के बाद आप यहाँ पे इसकी पॉलिटिक्स लिखें विक्टर यानुकोविच की। तो विक्टर यानुकोविच प्रेसिडेंट बनते हैं 2010 में, और ये कब तक रहते हैं जी? 2014 तक। इस पीरियड में ये क्या है जी? प्रो रशियन प्रेसिडेंट है, तो इसकी सारी की सारी पॉलिसीज क्या होंगी? प्रो रशिया होंगी। 2013 के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लोगों ने कहा था जी साइन करें किसके साथ? आप यूरोपियन यूनियन के साथ। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आप रशिया को छोड़ो, आप क्या करो एग्रीमेंट साइन करो FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो। मैं यहां पर लिख देता हूं आप आगे विक्टर यानुकोविच, में इन्हें कहा जाता है कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। FTA लिखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन, ये लोग कह रहे हैं। He refused, इसने इनकार कर दिया कि मैं ये साइन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रो रशिया है, ठीक है। तो जब रशिया के साथ खड़ा है तो क्या यूरोपियन यूनियन के साथ वो कोई बात करेगा इस तरह की? तो ही रिफ्यूज। जब इसने इनकार कर दिया तो लोगों ने कहा हमारी डिग्निटी हर्ट हुई है, हमने आपको इलेक्ट किया था एज ए प्रेसिडेंट, आपने हमारी बात को नहीं माना। तो वो लेके आते हैं डिग्निटी रेवोल्यूशन 2014 के अंदर आते हैं, 2014 में रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि पता नहीं कल रशिया का दिमाग खराब था, उसने ऐसे ही जाके अटैक कर दिया। तो हर अटैक जो है वो कोई इमीडिएट रिएक्शन नहीं होता, उसके पीछे एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री होती है। एक ही दिन इमीडिएट रिएक्शन नहीं आते होते, तो ये एक्चुअली आप देखेंगे, आप समझेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और किस तरह नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हर्ट हो रहे हैं एक दूसरे के, और किस तरह ये ब्लॉक पॉलिटिक्स अगेन पावर पॉलिटिक्स और वही सारी डर्टी पॉलिटिक्स की बातें हो रही है। यहाँ पे रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी आता है जी। ये भी 2014 के अंदर है। अगेन इसमें क्या किया जाता है? विक्टर यानुकोविच जो है उसे रिमूव कर दिया जाता है, तो इसे हटा दिया जाता है। जो प्रो यूरोपियन यूनियन फाइटर्स हैं, जो यानी प्रोटेस्टर हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं, एक लॉन्ग प्रोटेस्ट चलता है, और यहाँ पे जो ये विक्टर यानुकोविच है इसे क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। जब 14 में ये होता है तो अब अगेन यहाँ पे इंटरवेंशन किसकी है? वेस्ट की। वेस्ट इधर से इंटरवीन करता है तो रशिया भी इधर से इंटरवीन करता है। एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इधर से एक्शन आया, उधर से रशिया का भी रिएक्शन आया, रशिया भी अपनी मिलिट्री इंटरवेंशन कर देता है यहाँ पे।
जब उस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तो ये भाग के चला जाता है दोबारा, ये भी किधर चला गया है, रशिया की तरफ। तो ये भी रशिया में जाता है, उन्हें जाके कहता है कि आप हमें सपोर्ट करें, अगर आप वहां पे प्रो रशियन गवर्नमेंट चाहते हैं तो आप वहां पे मिलिट्री ऑपरेशन करें, क्योंकि वहां पे इंटरवेंशन किसकी है, वेस्टर्न की है, तो वेस्टर्न यहाँ पे बाय फोर्स रूल कर रहे हैं, तो आप इनको निकाल के यहाँ पे फेंक दें। अब रशिया क्या करता है जी, ये मिलिट्री इंटरवेंशन करता है, तो ये मिलिट्री इंटरवेंशन करके सबसे पहले किन इलाकों में अपना हमला करेगा, वहां पे जहाँ पे उसके प्रो रशियन लोग हैं, जहाँ पे प्रो रशियन एथनिसिटी के लोग हैं, कौन कौन से तीन रीजन है वो, लुहांस्क, डोनबास्क और नीचे वाला क्रीमिया वाला। तो यहाँ पे रशिया अटैक करके 2014 के अंदर ये वाला जो रीजन है लुहांस्क, डोनबास्क और क्रीमिया, ये तीन रीजन ये अनेक्स कर लेता है। इन तीनों में से जो नीचे वाला है क्रीमिया वाला, ये तो पूरे का पूरा अपने कब्जे में ले लेता है, कहता है कि ये तो पार्ट ही रशिया का है, यहाँ पे तो यूक्रेन ने वैसे कब्जा किया हुआ था, तो क्रीमिया जो है वो कम्प्लीटली अनेक्स कर लिया जाता है। ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि रशिया ने क्रीमिया को कब अनेक्स किया था, 2014 के अंदर। और ये वाले जो दो ऊपर वाले रीजन है लुहांस्क और डोनबास्क, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, ये कहते हैं कि हम आजाद हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये कहते हैं जहाँ पे आप रिफ्रेंडम करवा ले, जो करवाना चाहते हैं करवा ले, हम आजाद हैं। यहाँ पे वहां पे एक रिफ्रेंडम होता है, उस रिफ्रेंडम के तहत वो क्या कहते हैं, हम इंडिपेंडेंट है, हमने यूक्रेन का हिस्सा नहीं बनना। यहाँ पे एक अगेन कंफ्लिक्टेड ग्राउंड प्रोड्यूस हो गया है, जिसमें यूक्रेन कह रहा है कि इसने हमारी टेरिटोरी को कैप्चर किया है, रशिया ने क्या किया, हमारी टेरिटोरी को कैप्चर कर लिया है, नीचे सेवास्तोपोल वाला जो है क्रीमिया पूरे का पूरा हथियार लिया है, क्रीमिया पूरे का पूरा हथियार लिया है, और ऊपर दो स्टेट कौन कौन सी, लुहांस्क और डोनबास्क, वहां पे क्या हो गया, रिफरेंडम हो गया, तो उन्होंने भी रिबेलियन स्टेट बन गई है, तो वो क्या है, रिबेलियन स्टेट्स है अब दोनों की दोनों, लुहांस्क और डोनबास्क। तो यूक्रेन कह रहा है कि ये रिबेलियन है, इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके हमसे अलगी इख्तियार किया, अल्टीमेटली ये किसका हिस्सा है जी, यूक्रेन का। तो नीचे वाला जो क्रीमिया है उसने तो पूरे रिफ्रेंडम में कह दिया था कि हमने तो यूक्रेन के साथ जाना ही नहीं, हमारा तो काम ही सिर्फ रशिया के साथ है, तो हमारा यूक्रेन के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो वो पूरे का पूरा किसके पास चला गया है, रशिया के पास। और ऊपर वाले जो दो है लुहांस्क और डोनबास्क, ये क्या हो गया है, जहाँ पे ये यूक्रेन के साथ लड़ाई करके इंडिपेंडेंट अभी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यूक्रेन क्या कह रहा है कि आप जो है अभी क्या है, रिबेलियन स्टेट्स हैं, आप इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, आपने रिबेलियन किया मेन स्टेट के अगेंस्ट, और ये रिबल्स हैं जो ये बातें कर रहे हैं, बाकी हैं ये लोग, तो हम इसको दोबारा यूक्रेन का हिस्सा बना लेंगे। अभी दोनों तरफ मिलिट्री प्रेजेंस है, ठीक है, तो अब देखें ऊपर से यूक्रेनियन फोर्स है, इधर से कौन सी फोर्स है, रशियन फोर्स है, तो यहाँ पे टसल चल रही है, ये नहीं है कि 21 में आके अटैक हो गया, एक्चुअली वहां पे फोर्सेस पहले से मौजूद है, रशिया की फोर्सेस भी हैं और दूसरी कौन सी है, इधर से यूक्रेन की, तो यूक्रेन की फोर्सेस को कौन सपोर्ट कर रहा है, बेस्ट सपोर्ट कर रहा है, और जो रशिया है वो बताते हैं खुद ये फाइट कर रहा है। अब जब रशिया क्रीमिया को अनेक्स करता है तो वहां पे जो G8 के अंदर उसकी मेंबरशिप है, पहले G8 हुआ करते थे ये, अब G7 हो गए हैं, तो वहां से G8 से रशिया को निकाल दिया जाता है और वो क्या बन जाता है, G7। समझ आइए कि नहीं। इस इवेंट के बाद क्रीमिया की एनेक्सेशन के बाद क्या किया जाता है, क्रीमिया को ये एनेक्स करते हैं, इधर पहले ये समझें जी, G8 जो है ग्रुप 8 या ग्रेट 8 इन्हें कहते हैं, ये डेवलप्ड नेशन का एक ग्रुप है, इसमें पांच तो कौन कौन से हैं, परमानेंट जो है नहीं, उसमें परमानेंट नहीं है, सॉरी उसमें चाइना नहीं है, ठीक है, इसमें देखें जी G8 के अंदर कौन कौन से है, सबसे पहले ऊपर कैनेडा है पहला, दूसरा यूएसए है, ये लिख ले वैसे G8 के ग्रुप में, ऊपर क्या है जी कैनेडा पहले नंबर पे, कैनेडा के नीचे क्या है, यूएसए है, यूएसए के बाद आ जाए इधर यूरोप में, तो यूरोप में है फ्रांस, तीसरा जर्मनी, चौथा जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी और जर्मनी के साथ यूके, यूके कौन सा जी, पांचवा, पांच ये हो गया, छठा जो इसमें है वो कौन सा है जी, जापान है, छठा जापान है, और सातवां कौन सा है, इंडिया नहीं है, यूक्रेन भी नहीं है, रशिया भी नहीं है, कहीं कहीं मैं इटली, गुड,
यहाँ पे ये है साकेत के साथ। आठवां था रशिया, तो रशिया को यहाँ से क्या कर दिया, किक आउट कर दिया, और अब कौन बच गया है, सिर्फ और सिर्फ सात बन गया। तो ये जी एट ग्रुप जो है ये किस में चला जाता है, जी सेवन में। तो ये एक्चुअली किस इवेंट के बाद हुआ है, जब रिलैक्सेशन ऑफ क्रीमिया हुई है। तो यहाँ पे लिख लें रिलैक्सेशन ऑफ, ये जब हो जाता है तो यहाँ पे दो पॉइंट लिखे, annexation of Crimea बीस चौदह के अंदर, और दूसरा क्या हुआ है जी, annexation of Crimea, और दूसरा क्या हुआ है, Luhansk, और Donbass जो है इन्होंने क्या कर दिया है जी, इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया है खुद को। ऊपर ही लिखते हैं बस, ये लास्ट लाइन है यहाँ पे, इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। अब दोबारा समझे इस पॉइंट को, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, रशिया ये दुनिया को बताता है, दुनिया उसे अकाउंटेबल करती है ना कि भाई आपने किस मत में आके क्रीमिया को अनेक्स किया है। तो ये कहता है कि भाई क्रीमिया के खुद ये लोग कहते हैं कि हम तो रशिया का पार्ट है, हम तो यूक्रेन का पार्ट ही नहीं है, अगर आपको हम पे कोई शक शुबा है तो आप वहां पे रिफरेंडम करवा लें। तो वो जो हमारे जर्नैलों वाला रिफरेंडम है वो वहां पे भी करवा दिया जाता है। तो वहां पे क्रीमिया के अंदर रिफरेंडम होता है तो सारे लोग क्या कहते हैं, 98% लोग सारे के सारे बल्कि क्या कहते हैं, हम रशिया के साथ जाना चाहते हैं, हम तो यूक्रेन के साथ नहीं जाना चाहते। तो फिर जैसे जज कह देता है कि ये जिसके साथ जाना चाहते हैं इससे जाने दें, तो वो सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लुहांस्क और डनबस, वो जो अभी क्या कराची वाला जो लड़की वाला केस था, क्या नाम है उसका, नूर जारा के, क्या नाम है, जारा ना, लुहांस्क और डनबस, यहाँ पे रिफरेंडम हो जाता है। तो रिफरेंडम के बाद वो क्या कहते हैं जी, कि ये जिसकी तरफ जाना चाहते हैं आप इन्हें जाने दें। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट जो है, नीचे वालों ने तो इंडिपेंडेंट किया हुआ है, ऊपर वालों ने कहा है कि हमने रशिया के साथ जाना है। तो इस तरह ये एक क्लियर पोलराइजेशन हो जाती है 2014 के अंदर। जब अभी ये 2014 के अंदर सारे चीजें चल रही होती है, तो अब वहां पे वॉर लाइक सिचुएशन है, तो वहां पे मिन्सिक एग्रीमेंट होता है 2015 के अंदर। समझ आ रही है कि नहीं? सर एक क्वेश्चन, ये जो रशिया ने जबरदस्ती किया था तो कहीं ना कहीं कर दिया, बाकी के दो रीजन है उसके भी तो रशिया ने अटैक किया था ना, लेकिन रशिया उन दोनों के ऊपर क्लेम क्यों नहीं कर, वो ये कह रहा था कि जो उससे पहले अटैक से पहले भी उसका जो नैरेटिव था वो यही था कि सिर्फ ये नीचे वाला क्रीमिया वाला पार्ट जो है ये हमारा पार्ट है। Let's suppose, आप कश्मीर वाला एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है, कल वो कोई अटैक करता है तो वो उसको कैप्चर करता है तो वो कहेगा कश्मीर वाला हमारा है, हम पंजाब पे भी कब्जा करके बैठ जाएंगे। लेकिन डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्रीमिया वाली है, डिस्प्यूटेड जिसपे क्लेम दोनों कर रहे हैं वो कौन सी है, क्रीमिया वाली है। ऊपर वाली जो थी उसी लिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो रिबेलियन स्टेट है, वो दोनों क्या है, रिबेलियन स्टेट है। पार्ट किसका है, उसको रशिया नहीं क्लेम करता कि ये मेरी टेरिटरी है, रशिया ये कहता है कि ये यूक्रेन का पार्ट ही है, लेकिन क्रीमिया के ऊपर तो वो आउटराइट नहीं कहता है कि ये रशिया का पार्ट है, इसलिए दोनों में ये डिफरेंस था। मिन्सिक एग्रीमेंट 2015 के अंदर होता है जी, पेट्रोपोरेशन मिन्सिक एग्रीमेंट कब होता है जी, 2015 में। अब यहाँ पे अगेन सीज फायर, पुल आउट ऑफ फोर्सेस, तो वो सारी बातें की जा रही हैं, मिलिट्री विदड्रॉल करें, कौन सा मिन्सिक एग्रीमेंट, दोबारा देखें उसको, 2015 है ये, साइन उसमें है, इंप्लीमेंटेशन उसकी देखें कब है, विदड्रॉल ऑफ फोर्सेस कब है,
गूगल कर रहे होते अच्छी बात देख ले विथड्रॉल ऑफ फोर्सेस है मैं बताता हूँ पहले इनका तो ठीक हूँ विथड्रॉल ऑफ फोर्सेस लिखते हैं आपको दस रशिया मिनसिक वन और मिनसिक टू है ये भी जेन में रखिएगा ठीक है सीरीज है ना तो इसीलिए पूरे 15 में एक्चुअली ये इम्प्लीमेंटेशन है ठीक है तो ये स्टार्ट वहां से हो जाता है वो फाइनल डेट लिखी हुई है तो ये साइन, जब साइन हुआ नहीं नहीं साइन असल में यही बता रहा हूँ कि मिनसिक वन भी हुआ मिनसिक टू भी हुआ देन फाइनल जो हुआ है वो 2015 के अंदर आके हुआ जैसे अभी हमने ये तालिबान वाला कतर वाला तो स्टार्ट तो ये 17 से हो गया था कतर तब जो दोहा वाला ऑफिस बल्कि 13 में बन गया था तो 13 से ऑनवर्ड होते 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 फाइनल जब हुआ है तब डेट हम वो लिखते हैं इसी तरह ये मिनसिक वन भी हुआ मिनसिक टू भी हुआ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट चलती रहती है तो देन 2015 के अंदर आके शुरू में ही ये साइन हो जाता है तो उससे मैं फाइनल इसीलिए वो डेट लिखता हूँ मिनसिक एग्रीमेंट ये छोटी छोटा सी एस के जो कैंडिडेट है डेटो पे फोकस रखे लेकिन इतना भी नहीं क्या किया जी रेवोल्यूशन जब हुआ था तो अब इधर से अटैक कर दिया था रशिया ने उसने क्रीमिया को नेक्स्ट कर लिया तो वहां पे मिलिट्री फोर्सेस किसकी है रशिया की ऊपर से यूक्रेन ने अटैक किया है और उसको कौन सपोर्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन प्लस अमेरिका जैसे आज का सीन है तो अब ये जो है जो पीस के ठेकेदार हैं यानी कि अमन के जो प्रचार करने वाले हैं वेस्ट वाले वो कहते हैं कि जल्द से जल्द ये फोर्सेस बाहर निकाली जाए रिट्रीट किया जाए फोर्सेस को सीज फायर किया जाए अमन शांति होनी चाहिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं उसके बाद फैसला करेंगे तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं मिनसिक एग्रीमेंट तो इसमें एक सीरीज ऑफ एग्रीमेंट है इसमें मिनसिक वन मिनसिक टू देन फाइनल मिनसिक होता है तो ये 2015 के अंदर साइन हो जाता है फाइनल तो इसमें 3-4 पॉइंट्स है बेसिक पहला तो ये है कि कहते हैं सीज फायर करें यानी कि यहाँ पे कोई बंदूक गोली आपने नहीं चलानी ये वाले रीजन में अब ये क्या है कि रशिया वापस ले जाए अपनी फोर्सेस यूक्रेन ले जाए वापस तो पहले तो सीज फायर करें जैसे कश्मीर वाले में सीज फायर हुआ ना हमारा कि उधर से इंडिया गोली नहीं चलाएगा LOC के ऊपर इधर से हम नहीं चलाएंगे हालांकि रोज वायोलेशन होती है तो यहां पे क्या है जी सीज फायर तो जब मैं ये पॉइंट लिखता हूं तो मैं भी 14 दफा गूगल करता हूं कहीं से भी मैं भी नहीं देख के ऐसे ही बस जो बात देखिए लिख दी नो नॉट एट ऑल बिकॉज यहां पे जब आते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के शोल्डर पे होती है क्योंकि जब वो बता रहा होता है तो उसको मेरा ख्याल है कि गलती के चांसेस होते हैं बीइंग अ ह्यूमन एरर चांसेस हर जगह पे हैं तो लेकिन कोशिश यही होती है कि एक रेफरेंस से नहीं दो रेफरेंस से नहीं तीन रेफरेंस से नहीं 4-5 जगह से चीज को कम्प्लीटली देख के देन कंपाइल किया जाए ये नहीं है कि बिल्कुल ही आंखें बंद करके उठाए या फिर बगैर प्रिपरेशन के या बगैर ये टॉपिक आई थिंक पिछले काफी दिनों से डिमांड भी थी कि ये किया जाए लेकिन मैं इसीलिए नहीं कर रहा था कि मुझे पता था जब एंड पे जाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से इसका हर एंगल जो है वो क्लियर करके इस पे तो एक नहीं काफी सारी चीजों को पढ़ के ये किया हुआ है सबसे पहले सीज फायर दूसरा क्या था जी पुल आउट ऑफ फोर्सेस तीसरे नंबर पे तो इंपॉर्टेंट चीज थी POW बहुत हो गए थे वहां पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर बहुत बन गए थे इधर से बहुत सारे रशिया ने कैप्चर कर लिए थे उधर से कुछ यूक्रेन ने भी तो उनके ऊपर भी बात की गई जैसे 71 वाला हमारा सीन था तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो POW जो है वो भी क्या किए जाए रिटर्न किए जाए और आखिर पे ये बात की गई कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसे रूल करने दिया जाए अगेन डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं ना वेस्ट वाले तो वो कहते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये होता है 2015 में सारी बातें हो जाती है ये जब हो जाता है तो अगेन कंप्लीट पुल आउट नहीं होता पार्शियल पुल आउट हो जाता है सीज फायर भी हो जाती है
नीचे वाला रीजन जो है ये वाला क्रीमिया वाला, ये तो अब सारे का सारा किधर चला गया है, रशिया के पास चला गया है। यहाँ पे लुहांस्क और डनबस के अंदर प्रेजेंस रहती है मिलिट्री की, ऊपर वाले भी रखते हैं, नीचे वाले भी, ये वाले राइट वाले भी, लेफ्ट वाले भी, और बीच वाले खुश है, ठीक है, क्योंकि वो कौन सी एथनिसिटी है, प्रो रशियन एथनिसिटी है। वो कहते हैं ठीक है, अभी हमारा बिग बॉस ऊपर खड़ा है, जब भी ये कोई इस तरह की बात करेंगे यूक्रेन वाले तो रशिया इन्हें देख लेगा, तो वो रशिया के साथ खुश है। लुहांस्क और डनबस्क दोनों क्या है, वो रशिया की तरफ खुश है, और क्रीमिया तो पूरा ही हैप्पी मून में चला गया है ना, कि बिल्कुल ही हम तो रशिया का पार्ट थे पहले दिन से, हम क्लेम करते आ रहे हैं, अब तो हम रशिया का पार्ट बन चुके हैं। तो वो सिवास्ता पोर्ट सारे की सारी, वो जो ये वाला पोर्ट है, ये भी किसके कंट्रोल में अब चला गया, रशिया के कंट्रोल में चला गया। तो इस तरह ये वाली सिचुएशन है अभी, लेकिन अभी कंप्लीट पुल आउट नहीं हुआ, कंप्लीट पीस एस्टेब्लिश नहीं हुआ, अभी भी वहां पे टसल चल रही है। तो 2014 के बाद जब ये 2014 से ये हटा दिया जाता है ना, विक्टर जेनकोविच को हटा दिया था, तो अब उसके बाद ये वॉर हुई थी ना, सारे की सारी समझ आई है ना, ये वाला ऑपरेशन जो है रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी, ये किसके बाद हुआ है, विक्टर जेनकोविच को हटाने के बाद, यानी कि 2010 से 14 तक ये प्रेसिडेंट थे, ये प्रो रशियन था, जब प्रो रशियन है तो यहाँ के लोग क्या कहते हैं यूक्रेन वाले के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, ये साइन नहीं करता, जब ये साइन नहीं करता तो रशिया जो यूक्रेन के लोग हैं वो इससे नाराज हो जाते हैं, तो नताश होते हैं, तो वो क्या कहते हैं जी अब हम आपको हटा देंगे, तो वो लेके आते हैं डिग्निटी रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी आता है 2014 में, इसे हटा दिया जाता है विक्टर जेनकोविच को, विक्टर जेनकोविच को हटा के वो तो वो चला जाता है किधर, क्रीमिया की तरफ, सॉरी ये रशिया की तरफ, रशिया यहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च कर देता है, इस ऑपरेशन को लॉन्च करता है, तो वो क्या करता है जी, जो क्रीमिया है पूरे का पूरा उसे क्या कर लेता है, नेक्स्ट कर लेता है, और जो दो स्टेट ऊपर वाली है यानी कि ये पूरे का पूरा कैप्चर कर लिया, और लुहांस्क और डनबस्क जो है ये दोनों क्या है, ये इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये सूरत हाल है सारी की सारी जहां तक, उसके बाद फिर ये सब कैप्चर कुप्चर तो हो गया है, लेकिन उसके बाद पीस की तरफ आते हैं, क्योंकि हर वॉर का जो एंड है ना वो क्या है, पीस है। तो वो कल परसों भी मैंने एक लाइन बोली थी कि वॉर ब्रीड्स वॉर, तो कंफ्लिक्ट ब्रीड्स कंफ्लिक्ट, तो ये वाले पूरे के पूरा इस तरह से एक सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है कि वॉर ब्रीड वॉर, अग्रेशन ब्रीड अग्रेशन, और उसके साथ है कि पीस ब्रीड पीस, आखिर पे जाके ये भी कहता है कि जो जिस तरह की चीज आप कर रहे हो ना उसका रिएक्शन उसी तरह का ही आएगा। यहाँ पे अगेन जब वॉर्स होती है तो एंड पे क्या होता है, टेबल टॉक्स की टॉक होती है, यहाँ पे टेबल टॉक्स होती है, यहाँ पे मिनसिक एग्रीमेंट की तरह, लेकिन यहाँ पे भी कंप्लीट पीस अभी तक नहीं आया। ऊपर वालों को अग्रेशन है इनको यूक्रेन को, ये जो लुहांस्क और डनबस्क, चलो ये तो गया जो सही, क्रीमिया तो गया जो सही, ये वाले दो तो नहीं जाने चाहिए ना, उनको इसके ऊपर टेंशन है, और रशिया जो है अभी वो प्रेशर डाल रहा है कि यूक्रेन अभी भी इस चीज से बाज आ जाए, ये यूरोपियन यूनियन में ना जाए, ये नेटो को ज्वाइन ना करे, तो अब भी लुहांस्क और डनबस्क दोबारा किस में जा सकते हैं, यूक्रेन में। तो ये यहाँ पे अब नेक्स्ट ऑफर ये करवाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ जी इस प्रेसिडेंट को जब हटा दिया जाता है विक्टर यानकोविच को, तो इस रेवोल्यूशन के नतीजे में नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन आता है, पेट्रो पोरोशेंको। तो ये 2014 से 19 तक है, और ये क्या है, प्रो रशियन सॉरी यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट है, समझ आ गया कि नहीं। तो ये अब जब पावर में आता है तो ये साइन करने लगता है एफटीए, वही जो इसने साइन नहीं किया था, यानकोविच ने नहीं किया था, तो पेट्रो कहता है ठीक है मैं साइन करता हूँ। जब ये साइन करने की कोशिश करता है तो उधर से फिर रशिया अपना प्रेशर बढ़ा देता है, तो वो कहता है कि जो ही एफटीए साइन करोगे हम अटैक कर देंगे, आप नेटो की तरफ जाओगे हम अटैक कर देंगे, हम पूरा यूक्रेन कैप्चर कर लेंगे। तो ये कहते थे कि मजाक कर रहा है रशिया, इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब वो अटैक होने जा रहा था तो खुद इमरान खान कहता है कि मुझे नहीं यकीन था कि अटैक होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर और इतना बड़ा मलबा जो है और एक फुल स्केल वॉर, क्योंकि 45 के बाद कोई इस तरह की वॉर नहीं हुई, तो वो यही कह रहे थे या वियतनाम के बाद कोई इस तरह अग्रेशन की वॉर नहीं हुई, तो वो मिसअंडरस्टैंड किया है उन्होंने किसको बोला, तो ये प्यूतन को, रशिया को नहीं बल्कि प्यूतन को। और देखिएगा वहां पे जब वो ऑर्डर दे रहा है ना अटैक के, तो वो वीडियो वायरल हुई थी काफी ज्यादा, जिसमें उसका जो आर्मी चीफ है रशियन आर्मी चीफ कांप रहा है और प्यूतन से कहता है कि वो प्यूतन को जस्टिफाई कर रहा है कि आइदर वी शुड अटैक और नॉट, तो वो कहता है वी शुड, वो कहता है शुड और मस्ट। तो प्यूतन आगे से उससे पूछता है कि क्या हमें करना चाहिए या जरूर करना चाहिए, कहता है मस्ट सर मस्ट, ये वर्ड उसी तरह बोलता है। तो आप देख सकते हैं जहां पे डेमोक्रेसी स्ट्रांग है
वहां पे मिलिट्री, हालांकि रशियन मिलिट्री को इतनी तो वीक नहीं है, तो वो वीडियो 2 मिनट की वीडियो है, वैसे वहां पे देखिएगा कि पावर किस तरफ ज्यादा शिफ्टेड है। और प्यूतिन एक रियल डिक्टेटर है वाकई ही, अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई है, किसकी वाला गोर्बाचेव की, तो गोर्बाचेव ने एक्चुअली मुल्क को तोड़ा था, तो लास्ट जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, गोर्बाचेव। रिफॉर्म्स आई थी, दो कौन कौन सी थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका, ये दो रिफॉर्म्स उसने की थी जिसकी वजह से रशिया जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर। और प्यूतिन ने उसकी मौत पे उसके जनाजे में नहीं, फनरल प्रेयर में जाके नहीं शिरकत की, उसने कहा इसने तो पूरा मुल्क तोड़ा है, बाकी ठीक है आप लोग जाए सेलिब्रेट करें या ना करें, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो एक नेशनलिस्ट हूँ, मैंने तो रशिया को ग्रेट रशिया अगेन बनाना है, तो मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ नहीं कर सकता जिन्होंने इस मुल्क को तोड़ा है। सो दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ प्यूतिन। तो प्यूतिन अल्टीमेटली अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहां पे, अब देखते हैं कहां तक ये गेम चलती है। POW प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी कि इधर से अटैक किया हमने, यानी कि अपने अपने जंगी कैदी जो है वो वापस कर दे, और दूसरा जो लुहांस्क और डनबस्क है और ऊपर वाला रीजन है वहां पे सेल्फ गवर्नमेंट आ गई, नीचे वाले में नहीं हुआ ऊपर वाले में हो गया है, लुहांस्क और डनबस्क में अपनी गवर्नमेंट्स है उनकी, और जो ऊपर है ऊपर कौन आ गया है, पेट्रो पोरोशेंको आ गया, यानी ये जो यूक्रेन का ये वाला पार्ट है, ये वाला जहाँ पे कौन प्रेसिडेंट अब बन गया है, पेट्रो पोरोशेंको, 14 तीन प्रेसिडेंट याद रखने आपने, आसान नाम है वैसे भी मजेदार है, दूसरा पेट्रो पोरोशेंको और तीसरा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो इसका तो नाम आपको याद ही है, उसका याद है तो ये दो का याद रखने, ये पेट्रो डॉलर जो चलती रहती है ठीक है, ये आप अपना कोई निकनेम दे दें उसको। और सेल्फ गवर्नमेंट अभी ये कंप्लीट नहीं होता, अब अगेन दोबारा से जब ये प्रेसिडेंट बनता है पेट्रो, तो ये कहता है कि मैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करूंगा, लेकिन ये वाले कह रहे हैं विक्टर यानकोविच के सॉरी रशिया कह रहा है कि अभी भी बाज आ जाओ, ये वाले काम ना करो, तो ये अब यूरोपियन यूनियन को भी समझा रहा है, रशिया यूरोपियन यूनियन को भी कह रहा है कि यूक्रेन वाले जो रीजन है वहां पे आप अपनी पेनिट्रेशन ना करें, आप यहाँ पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को ना लेके आए, ना ही आप इनको यूरोपियन यूनियन वाला चूरन बेचे, बिकॉज ये मेरा नेशनल इंटरेस्ट हर्ट होता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन इस पे नहीं मानता, अमेरिका भी नहीं मानता, वो कहते कि नहीं मैक्सिमम प्रेशर पुटअप करना है किसके ऊपर, रशिया के ऊपर है, तो रशिया उन्हें ये थ्रेट करता होता है हर दफा जब ये एग्रीमेंट हो रहे हैं कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं हार्ड मिलिट्री अटैक करूंगा यूक्रेन के ऊपर, अगर यूक्रेन ने मेंबरशिप ली यूरोपियन यूनियन की या नेटो की तो मैं इधर से अटैक कर दूंगा, हर मीटिंग में प्यूतिन कह रहा है, लेकिन वो प्यूतिन की स्टेटमेंट को लाइट ले रहे हैं, वो कहते हैं कि इस दौर में वॉर करना कोई पॉसिबल सॉल्यूशन है ही नहीं, तो ये जस्ट एक फेक स्लोगन है इसका प्यूतिन का, लेकिन बाद में प्यूतिन बताता है कि ये फेक स्लोगन नहीं था, ये एक्चुअली मेरी रियल थॉट्स थे और मैंने इंप्लीमेंट कर दी है। अब इसके बाद जो आगे एक चीज होती है 2019 के अंदर ही, तो वो है स्टेनमैन फॉर्मूला 2019 का है थी। तो यही कंडीशन मैंने लिखी तो बताया था, ये ऊपर वाले मिनसिक एग्रीमेंट वो तो बार बार कह रहे हैं, वो हर बार ये मिनसिक में भी कहेंगे नीचे भी, ये मेन एजेंडा ही उनका यही है, ये तो बल्कि जब अटैक होने लगा था उससे 2 दिन पहले भी यही कह रहा था कि आज भी यूक्रेन ये कह दे कि मैं यूरोपियन यूनियन को और नेटो को गुड बाय कहता हूं तो हम अटैक नहीं करेंगे, वो हर जगह पे वो अपना स्टांस चेंज नहीं किया, वो एक कंडीशन नहीं वो प्री कंडीशन है, और वो मैं पहले पहले ही बोल दिया, मैंने सबसे पहले यही बोल दिया कि अगर आप आज भी बाज आ जाओ, मैंने अभी इसी थोड़े देर पहले यही बोला, तो हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो है 2019 के अंदर जो है स्टेनमैन फॉर्मूला आता है, इसके अगेन पॉइंट्स हैं जी, सबसे पहले तो कहते हैं कि कंप्लीट विदड्रॉल करें, ठीक है ये कब आ रहा है 2015 में वो है, तो ये 2019 के अंदर आ रहा है ये बात, यहां पे भी अगेन वही बात के यहाँ पे भी वही बात कर रहा है 2019 के अंदर भी रशिया कह रहा है कि आप उधर ना जाए, हम आपकी बात मानते हैं, टेबल टॉक्स करते हैं, आपस में मिल बैठ के बात की जाती है,
तो वो कहते हैं तीन पॉइंट्स माने आप हमारे, एक तो ये करें कि डॉट ज्वाइन, डॉट ज्वाइन नेटो प्लस क्या है जी यूरोपियन यूनियन। ये फार्मूला कौन देता है? ये रशिया दे रहा है। हम कंप्लीट विथड्रॉल कर लेते हैं यहाँ से। ऊपर मैंने बोला था कौन सा विथड्रॉल हुआ था, पार्शियल विथड्रॉल था जी। वो इसलिए नहीं मान रहा है कि वो आप कौन से हथे चढ़े हुए हैं ना यूरोप वाला। बांग्लादेश ने हमारी बात क्यों नहीं मानी? ये कौन सा अच्छा करके गए बैठे, ये भी तो फोर्सफुली इन्होंने कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने भी तो क्रीमिया भी एनेक्स कर लिया, डोनबास की भी, लुहांस की भी, इतने सारे फौजी मार दिए हैं, तो अग्रेशन ब्रीड्स अग्रेशन, ठीक है। तो आपने करना भी था तो कोई पर्स पहले नहीं सारी जिंदगी को साथ लेके फिरते रहे हो, अब भी अगर रखना था तो कोई बंदों की तरह बात करते ना, तो आप हर उनको जो भी वो बेचारे बात करते थे तो उन्हें यही कहते थे मिलिट्री अटैक करेंगे आप पे, हम आपका आपको पत्थर के जमाने में, यही जो हमें नहीं कहते, ये सेम प्यूतन की स्टेटमेंट थी कि अगर ये यूक्रेन इस तरह की हरकत करेगा तो हम इसे पत्थर के जमाने में भेज देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ग्राउंड रेस टू ग्राउंड कर देंगे, जो अभी एरियल बॉम्बिंग की है, इंडिस्क्रिमिनेटिंग एरियल बॉम्बिंग, ये टर्म यूज होती है जिसमें सिविलियन और सारे बेचारे मारे जा रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट एरियल बॉम्बिंग जो इन्होंने की है सारी की सारी, उससे क्या हो रहा है, उससे अटैक किया है तो सारे के सारे बेचारे सिविलियन ही मार रहे हैं ना, तो ये सारी धमकियां दे रहे हैं उन्हें, तो जब इस तरह की सिचुएशन है तो क्या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। और फिर इन्होंने कहा था कि जी आप ना इंडिपेंडेंट दे दें इनको लुहांस्क और डनबस को, जो लोकल गवर्नमेंट इन्हें दे दें, मतलब इनको भी सपोर्ट कर रहा है इनको, तो वो साथ साथ रखेगा, इनको नहीं छोड़ेगा। क्रीमिया तो पूरा हथियार लिया है ना, इन दो को तो नहीं छोड़ेगा, अगर छोड़ता है तो फिर सारी की सारी जो वहां पे उनकी सिंपथी है रशियन की यूक्रेन के अंदर वो भी खत्म होती है यहाँ पे, तो क्या वो ये लॉस करेगा अपना जो एक ट्रंप कार्ड है यहाँ पे, तो वो उसको नहीं जाने दे रहा यहाँ। अगेन ये भी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होता, वार चल रही है, कंफ्लिक्ट है, अगेन एक फिर एक एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं 2021 के अंदर आके कि ठीक है अभी भी लड़ाई नहीं करते, जो हो गया सो हो गया, दोबारा से हम पीस टॉक्स की तरफ आते हैं, और हम जो है ना क्रीमिया वाला तो गया जो सही, बाकी दो के ऊपर बात करके बात खत्म करते हैं, लेकिन प्री कंडीशन फिर भी क्या है जी कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करेगा, नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, ये तो प्री कंडीशन चलती आएगी। तो यहाँ पे डिप्लोमेटिक एफर्ट होती हैं जी, अगेन उन्होंने कहा कि ठीक है ये किसका हिस्सा है जी, यूक्रेन का, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो क्या है इंडिपेंडेंट, जो जो लोग हैं जो कि रशियन एथनिसिटी को एक्सेप्ट करते हैं उनकी गवर्नमेंट आप यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस ना दें, आप पार्शियल इंडिपेंडेंस दे दें, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर रीजन के ऊपर कौन रूल करेगा, रशियन एथनिसिटी के लोग। पीस टॉक्स होती है अगेन, बीस के अंदर इसमें दो एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एग्रीमेंट होता है सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड यूएसए, किस किस के दरमियान है जी, ये रशिया और यूएसए के दरमियान है, एक और साइन होता है जी सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन रशिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान, यहां पे कंडीशन ये रखी जाती है जी
कि ये दोनों एग्रीमेंट तब वैलिड होंगे अगर यूक्रेन ना ज्वाइन करे किसको, नेटो और यूरोपियन यूनियन। दोनों घर नहीं मानते, एक का मुद्दा नहीं है यहाँ पे, दोनों वो अपनी अना में है, वो अपनी अना में। यूक्रेन वुड नॉट ज्वाइन यूरोपियन यूनियन प्लस नेटो, वो कहते हैं नहीं ये तो ज्वाइन करेगा, वो कहते हैं चलो फिर देख लेते हैं। यहां पे कंडीशन आ जाती है कि फिर रशिया कुछ कंडीशन रख रहा है, वेस्ट should not support Ukraine जी जी दोनों के साथ, ये यूरोपियन यूनियन के साथ इसलिए लिखा है कि क्योंकि ये उसमें यूएसए अलग है, उसमें यूएसए के साथ अलग बात कर रहे हैं, दोनों घरों के साथ समझा रहे हैं कि आप ये बात ना करें, इससे अगेन क्या होगा वॉर की तरफ जाएंगे हम। तो ये नहीं है कि प्यूतन ने पहले दिन ही अटैक कर दिया, प्यूतन ने बहुत ही डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए हैं, बार बार कन्विंस कर रहे हैं वेस्ट को प्लस अमेरिका को प्लस बैक चैनल इनको टॉक्स करते हैं, या बैक डोर पॉलिसी भी कहते हैं, तो जो बैक डोर चैनल से ये टॉक्स हो रही है उसमें कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स है प्यूतन के बार बार कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो दुनिया एक वॉर की तरफ जा सकती है, अभी आजकल कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ। तो ये सारे थ्रेट इन टॉक्स के अंदर प्यूतन बार बार बता रहा है कि अगर हम यूक्रेन को लेके बहुत सीरियस है, वो कहता है रशिया बार बार ये कहता है कि आप इसे मजाक ना समझें, या आप ये ना समझें कि हम जस्ट यूक्रेन जो है उसमें क्रीमिया से ही हमें कोई लिंक था, तो वो कहते हैं क्रीमिया तो एक सेकेंडरी इशू है, एक्चुअली आप लोगों की यहाँ पे जो प्रेजेंस है ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये तो हर कीमत पे हम उसको मंजूर नहीं करेंगे, ये आप खत्म करो। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं जी जहाँ पे दो ग्रुप मैंने ऊपर लिखवाए थे ना, वो कहते हैं जी किधर थे वो, हाँ ये लिखवा प्रो रशियन और प्रो यूरोपियन यूनियन, जो जो नेशनलिस्ट है ना, तो ये जो यूरोपियन यूनियन वाले जो है ये कहते हैं हम आजाद हैं, हम क्यों आपकी गुलामी करें, हम जिसका दिल करे जिसको दिल करे ज्वाइन करें। लेकिन वो रशिया कहता है कि नहीं, दिल वाली बात यहाँ पे नहीं चलेगी, यहाँ पे मेरा नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको लागू नहीं होने दूंगा। तो ये बात यहाँ पे वो कह रहा है यूरोपियन यूनियन प्लस नेटो यहाँ पे इनके साथ एग्रीमेंट, वेस्ट शुड नॉट सपोर्ट यूक्रेन। वेस्ट कहता है वी विल, हम तो करेंगे, और यूक्रेन भी कहता है कि हम तो उधर जाएंगे, तो फिर रशिया को गुस्सा आना है कि नहीं आना, कि कल तक ये मेरी डॉटर स्टेट है और आज ये मुझे आंखें दिखा रही है, तो फिर वो कहता है कि चलो फिर आप जाएं, फिर हम आपका इलाज भी करते हैं। तो यहाँ पे अगेन वेस्ट कहता है वी विल और ऊपर से ज़ेलेंस्की भी यही कह रहा है, ठीक है, तो पहला भी प्रो यूरोपियन यूनियन है पेट्रो पोरोशेंको भी, ज़ेलेंस्की भी क्या है 19 में आया, तो ये भी प्रो यूरोपियन यूनियन है, ये भी हर कीमत पे कहता है कि यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन करनी है और नेटो भी ज्वाइन करनी है। वी विल अगेन दैट लॉक है फिर दोनों पे चलेगा, जब ये मार खा रहे हैं तो ये यूनियन क्या कर रही है, कौन यूरोपियन वाले जो मार खा रहे हैं यूरोपियन यूनियन कुछ तो कह रहे हैं इनके लिए, दिलासे नहीं दे रहे वो जैसे हमारे लिए इन्होंने किया, हमें भी तो यही कहते थे फ्लीट आ जाएगा ये हो जाएगा बांग्लादेश नहीं टूटेगा। तो सर आपको एक बात बताते हैं, रियलिज्म के अंदर ये होता है कि अपने घर की जो हिफाजत है या अपने घर का दफा वो आपने खुद करना होता है, अगर आप झूठे दारों पे रहेंगे, रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट यही कहता है, अगर आप लोगों के सहारों पे बैठे रहेंगे तो फिर आपका घर डूब जाएगा और वो देखने भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ योर स्टेट, योर स्टेट इट सेल्फ इज द प्रोटेक्टर ऑफ स्टेट, तो ये टर्म इस तरह यूज होती है,
कि स्टेट जो होती है इट सेल्फ बताते खुद अपनी दिफा की जिम्मेदार होती है। ये नहीं कह सकते कि लेट्स सपोज अभी इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम कभी आपके अटैक नहीं करेंगे, बट अब इस सिक्योरिटी मेमोरेंडम के अंदर रशिया ने इनको इंश्योर करवाया था 1991 के अंदर इन तीन स्टेट पे हम कभी अटैक नहीं करेंगे, कौन कौन सी, बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन। तो ये तो उन्होंने बड़े बड़े जोर शोर से और बड़ी दुनिया के सामने कहा था, लेकिन अब क्या किया हुआ है। तो वो भी कहते थे कि जब यूक्रेन पे अटैक होगा तो हम आपकी मदद के लिए आएंगे आएंगे आएंगे। यूरोपियन यूनियन पूरी अब इंडल्ज क्यों नहीं हो रहे? तो सर ये झूठे दावे होते हैं, झूठे वादे होते हैं, तो इन पे आपने कभी नहीं जाना। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्यूतन की स्ट्रेटजी थी, ये यही कह रहे थे। प्यूतन कह रहा था मैं अटैक करूंगा, तो ये कह रहे थे हम मिलके अटैक करेंगे। वो कहता था मिलके अटैक करोगे तो नीचे से चाइना भी तो मेरे साथ आएगा, इंडिया भी तो मेरे साथ आएगा। अभी मैं आगे बताता हूँ पाकिस्तान ने वैसे किसको सपोर्ट किया है, किसी वाला। ये बात आप रशिया को नहीं, नहीं वो इमरान खान वाले भी बात निकाल रहे। पाकिस्तान ने आउटराइट ली, पाकिस्तान का जो यूएनओ में परमानेंट अब कौन है रिप्रेजेंटेटिव, सर मुनीर अकरम सर, मैं कहता हूँ सर ही इज सच अ रिस्पेक्टेबल पर्सन। पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई बेसिक पिलर है फॉरेन पॉलिसी का तो वो मुनीर अकरम, और दूसरे नंबर पर मलिया लुधियानवी है। तो मलिया लुधियानवी नून लीग के बहुत करीब है, जब नून लीग का पीरियड आता है तो मलिया लुधियानवी वहां पर चली जाती है, और जो अतवार वाला आर्टिकल आता है वहां पे सर मुनीर अकरम का आर्टिकल आता होता था। अब जब पीटीआई आई है तो पीटीआई थोड़ा पढ़े लिखे लोग जो ज्यादा उससे भी ज्यादा ऑनेस्ट लोग हैं, तो वो मुनीर अकरम उनके क्लोज था, तो उन्होंने मलिया लोधी को हटा के किसको ले गया है, सर मुनीर अकरम को। तो सर मुनीर अकरम जब उधर चले गए तो आजकल आर्टिकल किसके आते हैं, मलिया लोधी के। शायद अभी अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो ये फिर उधर चली जाएगी और उधर से वो वापस आ जाएगा सर मुनीर अकरम। तो उन्होंने बकायदा जो उन्होंने वहां पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास हुआ है उस पर मैं बात करता हूँ आगे, फिर वो थोड़ा डेवलप बाकी बात करते हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है सारी 21 के एंड में, 21 के ऊपर ये वाली बातें हुई है, 21 का जो एंड जा रहा है तो अगेन अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। तो जब ये हो जाता है तो जब जनवरी आता है तो जनवरी में ये कहा जाता है कि हम जो है FTA साइन करने जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं, प्री कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं। तो प्यूतन कहता है कि अभी भी बाहर आ जाओ, ये काम ना करो, इससे वॉर होगी। तो अगेन वो नहीं मानता वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो कहता है जी वैसे खुद कॉमेडियन है तो वो कहता है शायद मजाक हो रहा है यहाँ पे भी पॉलिटिक्स के अंदर भी। तो बेस्ट की भी अपनी एक अप्रोच यही थी कि ये अटैक नहीं होगा कभी भी, तो आप साइन कर लें उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो साइन करने की तैयारियां कर रहे होते हैं तो रशिया अटैक कर देता है। रशिया कहता चलो ठीक है अब आप नहीं मानते ना, तो अब आखिरी हाल यही है और यही इसी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो इस तरह जब 22 को हम वहां पे जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसी रात वो अटैक कर देता है। अब यहाँ पे हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी देखेंगे। अभी वो बात क्या कर रहे थे फिर सर मुनीर अकरम वाली बात, हाँ वो जब ये अटैक होता है सर तो उसके बाद जनरल असेंबली का इजलास होता है वहां पे, तो उन्हें कहा जाता है, पाकिस्तान को कहा जाता है, बड़ा प्रेशर आता है। बल्कि जब अटैक होने जा रहा होता है ना तो उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि कंफ्लिक्टिंग डिस्प्यूट चल रहे हैं दोनों के दरमियान, वेस्ट प्लस कौन है जी इधर रशिया, तो वो हम पे प्रेशर डालते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे। बाद में प्राइम मिनिस्टर ने ये खुद एक्सेप्ट भी किया कि हमें उन्होंने कहा था कि आप रशिया का दौरा ना करें, लेकिन मैंने ये दौरा तमाम जो इदारे हैं उनको इतमाद में लेके किया था और तमाम इदारों ने मुझे कहा था कि हमें ये विजिट जरूर करना चाहिए, तो मैंने किया। ये कोई मेरी पर्सनल चॉइस नहीं थी। तो वेस्ट ने इस पे हम पे प्रेशर डाला कि आप ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये वाला काम ना करें, लेकिन पाकिस्तान का उस वक्त नेशनल इंटरेस्ट या फॉरेन पॉलिसी में ये था कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम रशिया के साथ बहुत बुरे तल्लुकात के साथ जिंदगी गुजार के हैं। पीछे हमारे सिर्फ दो प्राइम मिनिस्टर पहले हैं जिन्होंने विजिट किया था, पहला कौन सा था और दूसरा नवाज शरीफ। तो 20 साल हो गए थे किसी तीसरे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट ही नहीं किया रशिया को, तो फिर उससे अगर हम कैंसिल करते थे तो उससे चाइना नाराज होता था। ठीक है, तो ये बीच में जो हमारी टॉक्स करवाई है ना, सुलह सफाई वाला काम करवाया, ये किसने करवाया है, चाइना ने। तो आप दो दोस्त लड़े या दो लोगों को मना रहे हो, तीसरा बंदा और तीसरा वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, तो फिर बंदा कहता है कि उसकी बात ना मानी तो वो भी नाराज हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे भी फॉरन रिलेशन के अंदर अगर हम रशिया का विजिट नहीं करते थे तो चाइना ने कहना था चलो ठीक है एससीओ के अंदर भी आपको लेके आए हैं, रशियन जो यूनियन है वहां पे भी आपको लेके आए हैं, सारा कुछ हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और आप है कि अमेरिका की जान ही नहीं छोड़ रहे। इसीलिए हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था।
हम अमेरिकन प्रेशर के अंदर अगर ये चीज कैंसिल करते थे तो वो जो हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का स्लोगन लगा रहे थे वो सारे का सारा क्या होता था, खत्म होता था। यहाँ समझ आई कि नहीं मेरी बात की? तो इसीलिए अंडर दीज सर्कमस्टांसेस हमने क्या किया जी, हमने विजिट किया। अब जब अटैक हो गया तो अटैक होने के बाद फिर होता है यूएन जनरल असेंबली का इजलास। ये 22 फरवरी को गए थे इमरान खान साहब, 23 को इसकी मीटिंग की और 24 को अटैक हो गया। और उधर से आते ही इनके खिलाफ फिर वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ जाती है। ये पूरी डेवलपमेंट यहां से ही बता देता हूँ कि ये 22 फरवरी को गए, 23 को जो है मीटिंग, 24 को अटैक। ये फरवरी वाला महीना इसी तरह गया तो 9 मार्च को जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ जाती है। ठीक है, 9 मार्च को ये होता है तो मार्च वाला मंथ चलता है जी, उस पे होती है जी हियरिंग्स। हियरिंग होने के बाद 27 मार्च को ये कहा जाता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है टेबल किया जाए, तो टेबल होती है 3 मार्च को, उस पे होना होती है वोटिंग अप्रैल को। तो 3 अप्रैल को जब वोटिंग होना होती है तो 3 अप्रैल को वोटिंग नहीं होती। और वो जो सरप्राइज वाली बात कर रहे थे, सरप्राइज देंगे वो पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज वो कहते हैं जी साइफर आया है, इस तरह की बात हुई है। तो वो 3 मार्च को जो असल कैसर है, अप्रैल को सॉरी वो जनरल वो जो सारी की सारी असेंबली है उसे बर्खास्त कर देते हैं, असेंबलियां तोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि नए इलेक्शन होंगे। तो 3 को ये होता है, तो 3 के बाद अप्रैल के अंदर, अप्रैल के बाद फिर वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर फैसला करती है और वो कहती है 9 अप्रैल को क्या होना चाहिए, एक दफा अगर कोई मूवमेंट टेबल हो गई है तो जब तक वो उस पर कोई वोटिंग नहीं हो जाती तब तक आप उसे बर्खास्त नहीं कर सकते। तो देन क्या होता है 9 अप्रैल को दोबारा से टाइम भी बताती है सुप्रीम कोर्ट और जगह भी बताती है और वक्त का तय भी वो करती है। और फिर बाद में ये कहते हैं जी हमारी इंडिपेंडेंसी जो है पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है वो चैलेंज हो रही है। तो आप देखें जब आप खुद सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला करवाएंगे कि हमने कब इजलास, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये राइट नहीं है, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार नहीं है कि वो पार्लियामेंट को कहे कि आप इस दिन कितने बजे इजलास बुलाएंगे। ये स्पीकर का अख्तियार है या प्रेसिडेंट कह सकता है इमरजेंसी के अंदर भी, इमरजेंसी के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती। अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ पावर पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसे ट्रेसपास नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है, हर तरफ उल्टी काम होता है। सर गार्डियन किया तो फिर आगे भी गार्डियन किया करेंगे। वो नो कॉन्फिडेंस टेबल हुई है तो 3-7 डेज के अंदर वोटिंग होनी चाहिए। 7 डेज गुजर गए तो यही कहेगा कि विद इन 7 डेज करवाए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कॉन्स्टिट्यूशन समझा रहे हैं कि उसको दया दे सकती है, डायरेक्शन देना और बात है, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने कहा कि अगर वो कहना कि वक्त और जगह का तय्यन को नहीं कर सकती, मेरी पूरी बात समझे ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहे कि कॉन्फिडेंस करवाए ना करवाए, वो तो उस पे डायरेक्शन दे सकते हैं लेकिन वक्त और जगह का तय्यन नहीं कर सकती। यार कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक हो रहा है लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर भी तो सारी वायलेट हो रही है ना। ये तो आप जवाब दे रहे हैं कि कौन दे रहा है, कोई भी स्पीकर बैठ के इस तरह कर देगा। हां स्पीकर का वायलेशन करेगा तो आप स्पीकर के केस फिर बना के ले आए ना उसके ऊपर। सर वायलेशन ही तो हो रही थी ना, वायलेशन आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। स्पीकर अब जब आता दोबारा स्पीकर आ जाता उसके पास, आपने सभी बहाल कर दी, स्पीकर उसके ऊपर कहता कि भाई मैं आज करवाता हूं कल करवाता हूं, ये पर वो बाइंडिंग था उसके ऊपर। अगर 9 को नहीं करवाता ना तो वो कहता है कि विद इन 30 डेज वो उसने क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ है कि अगर कोई इस तरह की चीज आती है तो इतने दिनों के अंदर अंदर बाइंडिंग है कि वो स्पीकर जो है वो इजलास बुलाएगा, वो दिन भी उन्होंने लिखे हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए। अगर उतने दिनों के अंदर स्पीकर इजलास नहीं बुलाता तो आप स्पीकर के केस फिर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे थोड़ा ओवर रिएक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि आप टेबल हो गई है, नो मोशन कॉन्फिडेंस, इस पे वोटिंग होगी और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, ये कहना चाहिए था। ये नहीं कहना चाहिए था कि ये 9 अप्रैल को होगी, 8 बजे इजलास शुरू होगा, तलावत होगी, कुरान पाक होगा, सारा कुछ होगा और वोटिंग होगी। नो सर यही तो केस है ना कि 3 अप्रैल को तो बताते हैं पहले ही 7 दिन पूरे हो चुके हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी पड़ी, इसी वजह से 7 दिन तो हो चुके हैं, आप उसी पोजीशन पे वापस जाए। अगेन अगर
अगर वहाँ पे स्पीकर आता वहाँ पे असेंबली में और वो कहते कि मैं अपनी मर्जी से करूँ तो फिर ये वहाँ मर्जी तो दो चीजें यहाँ पे भी दो प्रॉब्लम के सलूशन है। अगेन अगर वो सात दिन वाली भी थी तो मेरा नहीं ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहते कि 8 बजे इजलास शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट फिर भी कहती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे लाइन अगर आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बन गए ना लॉ को जिन्होंने पढ़ा हुआ है थोड़ा, क्योंकि हमने लॉ को पढ़ा है तो हमें यही बताया जाता है कि आपने ना बात भी कर जानी है और अपने ऊपर भी मुद्दा नहीं आने देना। मैं भी बात वही कर रहा हूँ कि वोटिंग होनी चाहिए थी, मैं नहीं कह रहा कि वोटिंग डिले हो, वो तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसको चलने दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत भी तो बचाती ना। तो आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन ना देती तो स्पीकर जो है वो आगे बढ़ यार फिर आप पता नहीं एक चीज पे अटक गए। मैं ये कहता हूँ कि डायरेक्शन वो ना दे पूर्व के अंदर पहले ही कैसे सूरत हाल है मेरी बात तो सवाल निकाल रहा है जज्बाती रहो तो आप ये लाइन नीचे लिख के ना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप ये ना लिखे ना कि 8 बजे क्लास, आप ये 7 दिन है ना वो सबको पता है और वो हमें भी पता है, सुप्रीम कोर्ट क्यों ओवर रिएक्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ये कहना कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में 7 दिन हो गए थे तो ये ना करवाते तो अगले दिन आप दरखास्त लेके चले जाते सुप्रीम कोर्ट कि जी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ओवर एक्ट ना करें, आप जितना आपको कहा गया ना आप उसके अंदर रह के विदन दिया। अब एक इन्होंने क्या ट्रेंड सेट कर दिया है, कल को अब असेंबली वाले कहते हैं हमने इजलास नहीं बुलवाना, सुप्रीम कोर्ट कहती है बुलवाना है, ये सारे की सारी असेंबली एक साइड पे खड़ी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट की तो इन्हें अदालत लगेगी या इनकी पार्लियामेंट की सुपरमेसी का ख्याल रखेंगे। तो मैं ये बात कर रहा हूँ सर आप एक ट्रेंड सेट करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को जरूरी सर्वे करना चाहिए। नहीं 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 अगर सारे की सारी असेंबली कहती है ना कि हमने नहीं बुलाना, लेकिन कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई एमएसएल आ गया बिटवीन जुडिशियरी एंड पार्लियामेंट और वहां पे सारे एक साइड पे खड़े हैं तो यहाँ पे फिर कंफ्लिक्ट आएगा कि नहीं, तो फिर उसी डिसीजन को बेस बना के वो बाद में कहेंगे कि जी ये डिसीजन आपने खुद ही दिया हुआ है 12 बजे अदालत खोलने वाला, अब वो बाद में ट्रेंड सेटर बन गया, वो एक अच्छा ट्रेंड था ठीक है। इसी तरह जो अभी केस दिया है इन्होंने 2017 में कोटे का केस इन्होंने दिया था ठीक है, तो इन्होंने केस दिया वो हक में दे दिया इनके, अभी 2021 में उसी केस को जब बुनियाद बनाया गया तो ये वाला उसने रूल आउट करके वो फेंक दिया। तो वो कौन सी जुडिशरी है जो कल एक बात कहती है कि ठीक है आज कह रही है गलत है। सर फाइल से ने भी रूलिंग में कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया है, उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने दे दे उस कोर्ट आप कौन सा, उसमें क्या जब 1973 में कोटा हुआ था तो 40 साल गवर्नर की पावर की तो बात साथ में आती है ना सर, वो कोटे की जो एग्जांपल है जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में वो बैठे कोटा कहां पे तो कहां है, आप फिर नहीं समझ रहे बातों को ना, डीपली जाके पहले अंडरस्टैंड करें। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि गवर्नर के पास भी तो कोई रेजिडेंट पावर होती है ना, तो उन पावर्स के अंडर उसने वो दिया था कोटा और वो जो आपने ऐड दी थी ना उस वक्त वो साथ में बताया गया था कि ये कोटा है, अगर किसी को इतराज था तो उस वक्त चैलेंज करते, ये नहीं कि रिजल्ट आ गया और जब सारा कुछ हो गया तो ये 19 वाले पीएमएस की बात है, तो 19 वाले में वो कोटे वाले धक्के खा रहे हैं ना बेचारे, तो जब वो रिजल्ट आया ना उसमें वो आपने देखा था बाकी की सीटें उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। जब अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम उस वक्त करे ना जब वो क्रिएट हो रही है, तो उस पर रिटर्न हो गया उस पर इंटरव्यू चलते रहे उस पर लिस्टें तैयार हो गई रिजल्ट अनाउंस होते वक्त आपका भाग के जा रहे हैं तो वो तो पहले 2 साल आप सो रहे हैं जस्टिस ने जस्टिस डिनाइड, तो ये तो आपका एक प्री कंकॉक्टेड एक रूल है ना, उस वक्त आप जाके गवर्नर को चैलेंज कर देते हैं कि जी आपने किसने आप पे ये, उन्होंने जब एडवर्टीजमेंट में कहा है कि ये कोटा होगा तो आप उस वक्त उस एडवर्टीजमेंट को चैलेंज करते जाते सर ये नहीं बनता ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये नहीं हो सकता कि आप, मैंने उस दिन आपको लॉ में बताया तो है सर अगर थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग में जाए तो मैंने एक बताया कि रूल आपने बाद में आके बनाया है और सजा कहीं पहले हो चुकी थी या क्राइम पहले कमिट हो चुका है, तो आप ये नहीं कह सकते जी आज मेरा दिल कर रहा है कि वो वाला केस दोबारा खोला जाए तो वो नहीं खुलेंगे सर। सो आप पूरा लीगल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें, लीगल प्रोसेस के अंदर हर चीज के स्टेप्स है कि इस स्टेप पे कौन सी बात होगी इस स्टेप पे कौन सी बात होगी, ये नहीं कह सकते कि ये वाला स्टेप यहाँ पे आ जाए ये वाला स्टेप यहाँ पे आ जाए। नो, जब कहीं पे वायोलेशन होती है तो फर्स्ट जो कॉल होती है उसी टाइम दी जाती है, ये नहीं हो जाता कि आपने वो क्राइम हो गया मर गया बंदा 20-25 साल बाद आप आ जाए इसने वो तो भुट्टो वाला भी यही तो प्रॉब्लम था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने फायजिस्ता ने यही बात करनी थी सर और ये फिर अदालत उस्मान ने भी यही काम करना था तो जब वो एड दी गई थी उस वक्त उसको चैलेंज किया जाना चाहता, उस वक्त चैलेंज नहीं किया जी, उस वक्त लोगों ने कहा जी ये गवर्नर के पास पावर्स होती हैं रेजिडुअल पावर्स उसके पास हैं उसके अकॉर्डिंग उसने ये कोटा अनाउंस कर दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है।
तो आप ये ना करें ना, आप इतना मजाक अभी इसी के ऊपर ही देख रहे हैं। ये तो केस अभी किया है एवन फील्ड वाले पे, आप ये गारंटर नहीं है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ये जो फैसला, आप खुद अपनी पस्ती देख लें क्यों 154 वो खड़े हैं 124। कल आपने एक फैसला दिया इस तरह, तो फिर सारे दिलों वाले बाहर आ जाए। सबका ही राइट है ना सर। नैप कोर्ट के अंडर कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं अभी, मैं आपको 20 मैं मिलवा देता हूँ, वो भी मरियम वाली सिचुएशन है। तो मरियम अगर बाहर आ सकती है तो उन्हें क्या है। ये इधर हमारे एक दोस्त है आरे वाला के साथ, उनका एक प्लॉट पूरी उन्होंने कानूनी बनाई है, नैब ने वहां पे दिखा है कि ये हुआ है वो हुआ, सेम उसके एवन फील्ड वाला केस है, करप्शन का केस है नैब ने। अब वो खत्म हो गया, मैंने उन्हें जाके कहा कि अगर मरियम को वो बाहर निकाल सकते हैं तो आप भी जाओ जी, हमें भी बाहर निकाल दो, हमें क्यों फंसाया हुआ है यहाँ। तो फिर सारे जो नैब वाले थे ना बार बार, जो आपसे थोड़ा अपने माइंड को और ब्रॉड करें तो ये चीजें जब आपको समझ आएंगी। अगर एक चीज एक बंदे पे अप्लाई हो रही है तो फिर वो सिर्फ तीन बंदों के लिए तो नहीं है ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और वो सफदर और मरियम के लिए, फिर सारे जो उस नैब केस के अंदर जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हुए थे वो सारे के सारे उठा के बाहर फेंक दे, वो सारी जेलें खाली करेंगे। एक बंदे के ऊपर लॉ शुड बी इक्वल, लॉ की पहला इंग्रीडियंट यही होता है कि लॉ सब के ऊपर इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये तीन बंदों के लॉ नहीं है कि आपने वो तीन और फिर आप स्पेशल वो शिके बनवा रहे हैं जो आपको सूटेबल है, बाकी सारे का सारा। तो ये तो आप सिलेक्टेड जस्टिस कर रहे हैं ना, तो सिलेक्टेड जस्टिस तो जस्टिस ना होगा ना, ये तो इनइक्वालिटी होगी। तो मेरी यही लोगों से भी, बाकी लोगों से जब आप आर्गुमेंट करें, नून लीग के जो सहमति रखते हैं अच्छी बात है, पीटीआई की जो सहमति रखते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन सर आप कॉन्स्टिट्यूशन की सहमति रखें। मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो नैब कोर्ट ने ही फैसला किया उस केस के अंडर, आप जाके सुप्रीम कोर्ट सर को ये कह दे कि जितने भी इसके नैब केसेस के अंडर आए थे सारे के सारे आजाद है, वो बाहर निकल गए। तो सर दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ दैट स्पीच। जी सर ये ऐसे चीजें नहीं होती। अभी यही तो हमारी प्रॉब्लम है ना, हम सारे जज्बाती अवाम हैं, थोड़ा ठंडे रह के पॉलिटिक्स को समझें। बार बार ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, ये अपने इंटरेस्ट के लिए बात करती है, और आपस में जो लोग लड़ते हैं ना ये पॉलिटिक्स को लेके, मैं तो उसे बेवकूफ कंसिडर करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक पेज पे होते हैं सारे के साथ। और अगेन सुपरमेसी लॉ की बात कर रहे हैं हम, तो मैं तो लॉ, हम तो स्टूडेंट हैं, मैं तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से हट के बात ही नहीं करता, मैं तो कहता हूँ जी कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रिवेल, लॉ शुड प्रिवेल। तो हम बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैं हमेशा यही बात करता हूँ, लेकिन यार ये भी होना चाहिए कि लॉ मस्ट बी एंड शुड बी, बल्कि शुड बी एंड मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं है कि कल तक आप कह रहे थे कि मुझे तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है पासपोर्ट की, और रात ट्विटर आ रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कश्मीरी बिरयानी खाते हुए और साथ में पासपोर्ट लेते हुए वापस आ रहे हैं। खुदा का खौफ करें, इस तरह की चीजें नहीं है। फिर सारे को बाहर निकाले, उन्हें भी बाहर कश्मीर की बिरयानी की प्लेटें दे, उन्हें भी कहें कि आप भी बाहर आ जाए, आपका कोई कसूर नहीं। वो आरे वाला केस प्योरली इसी के ऊपर उन्होंने बनाया, उनके करप्शन चार्जेस लगे, नैब ने उन्हें वो किया जी, सारा केस चला, वो उन्होंने भी एक वाला केस लेके आया, उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। वो कहते मरियम और आप एक हो गए, आप जेल में बैठ कर मरियम बाहर गए, ऐसे नहीं चीजें होती सर। लॉ मस्ट बी इक्वल, और इनडिस्क्रिमिनेटिंग लॉ जब होगा तो सर फिर स्टेट नहीं है, वो स्टेट नहीं है, वो जंगल का लॉ है। शेर बात करेगा तो और होगी, और अगर लोमड़ी बात करेगी तो और होगी। वैसे शेर और लोमड़ी सारे ही एक हैं यहाँ। चलो जी 5 मिनट ब्रेक कर लें, अगर नहीं करनी तो इसको वाइंड अप कर लें। एक ही है लेकिन वोटिंग थोड़ा इसमें डिफरेंस है, इलेक्शन से पॉलिटिकल साइंस है आपका। आप तो सबसे मॉडल होने चाहिए वोटिंग और रिफरेंडम में। ये होता है जी वोटिंग होती है और रिफरेंडम होता है जब कोई एक इशू आ गया है पूरे नेशन का, उस इशू के ऊपर क्या स्टांस है वो रिफरेंडम होता है। मसलन अबॉर्शन का भी हमारे जो है इलेक्शन होते हैं अमेरिका के अंदर, वो जनरल इलेक्शन होते हैं साइलेंट। तो दूसरी जो बात है वो क्या है, अभी अबॉर्शन का केसेस आए थे तो उन्होंने कहा कि जनरल रिफरेंडम करवा लेते हैं,
पूरी पब्लिक जो है उससे इस बात पे वोट ले लेते हैं कि क्या अबॉर्शन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लीगलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये है रिफरेंडम। और इलेक्शन का मतलब क्या है जी, कोई भी जब लीगल गवर्नमेंट लाना है उसके लिए जो इलेक्शन का प्रोसेस है उससे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सर रेफरेंडम और प्लेबिसाइट में क्या होगा? प्लेबिसाइट और रेफरेंडम, प्लेबिसाइट का मतलब ये होगा कि है दोनों ही रेफरेंडम है सर। प्लेबिसाइट फॉर पॉलिटिकल टर्म यूज होता है, जैसे कि वहां पे यानी कि म्यूचुअल कंसेंसस के टर्म में यूज होता है, और जब यूएनओ ये बात करेगी तो वो प्लेबिसाइट लिखती है या फिर जनरल रेफरेंडम के टर्म यूज करते हैं। तो ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं दोनों की दोनों। यहाँ पे जी आप इसको थोड़ा सा देख लें, तीन एंगल, अमेरिकन एंगल देख लें क्वेश्चन के लिहाज से, यूरोपियन यूनियन का एंगल देख लें, देन पाकिस्तान का एंगल भी देख लें। तो हर एंगल से इसको देखें कि क्या है, यूरोपियन यूनियन का, यूक्रेनियन का, यूक्रेन का एंगल, साथ में अमेरिका का एंगल, साथ में पाकिस्तान का एंगल। तो यहाँ पे सारी चीजें देखते हैं। दूसरा पता है क्या प्रॉब्लम है, एक और चीज भी, जितना कुछ आपने पढ़ा होता है ना शायद उससे चीजें और ज्यादा होती हैं। तो जब हमने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की होती है वो कहता है लिटिल नॉलेज इज आल्सो बैड नॉलेज। थोड़ा इलम जो है पूरा एंगल का पता नहीं है तो ये भी एक बैड चीज है, ये भी कोई अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि आपने उसके ऊपर खड़े होकर बहस करनी होती है। एंगल उसके 360 डिग्री में से लेट्स सपोज आपने 180 को विजिट किया है, तो आपने तो ये मानना नहीं कि पीछे क्या था, पीछे वाला तो 180 उसी तरह मिसिंग जा रहा है। तो आप सारे एंगल को क्लियर करके देन यही बात करें कि भाई बात वही है, लॉ की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, बट फिर अगेन यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट की भी वायोलेशन हो रही है अपनी, ठीक है मरियम, और ये अगर हो गए बरी हो गए हैं तो फिर वो कहता है कि लॉ मस्ट बी इक्वल, वो जो आठवां आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स जब स्टार्ट हो रहे हैं आठवां नौवां दसवां, तो वहां पे जब इक्वालिटी ऑफ सिटीजन है आर्टिकल 25, तो वो जो है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन तो यहाँ पे ना रह गया, कुछ तो जेल में सड़े गए और कुछ बाहर बिरयानियां खाते फिरे। ये तो किसने तो यार बस सब क्या करें अपने जब इंटरेस्ट में, यही तो प्रॉब्लम है ना कि डेमोक्रेसी है ही नहीं स्कूल के अंदर, डेमोक्रेसी हो तो फिर बात करें, बस ये लिखी लिखाई बात है, लिखी लिखाई भी नहीं डिफेंड हो पा रहे, बाकी का क्या करें। कुछ मोरालिटीज होती है वो तो पॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा जी साइलेंट प्लीज, यूक्रेन का एंगल सबसे पहले देखते हैं। टीचर का क्या या तो टीचर इधर कैमरा पढ़ के खड़ा कर आप यकीन माने जितनी आपको तकलीफ होती है ना उससे ज्यादा मुझे होती है ये ऑन वालों को लेके। सर आप मैं इनके साथ वोट कैरी कर रही हूं तो मैंने पता नहीं अपनी तरफ से कौन-कौन से टाइम की जंप को ट्राई की जा इस तरह सर का लिखे हुए नोट्स में। हां अब मैं सास हो रहा है कि ये तो कुछ और ही पढ़ के आई हूं मैं। एक ना टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं एक बात करता रहता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, अब उन भाइयों ने भी कल नोट्स बनाए हुए थे, राइट डायरेक्शन में जब तक आपकी तैयारी नहीं हो रही ना तो वो आपका सिर्फ डंकी वर्क ही है। yes. ठीक है अभी इस पे एंगल देखें जो चीज पूछी जानी है ना, यही तो मैं बार बार कहता हूँ कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी को पहले समझ लें उसके बाद अपनी तैयारी करें। हमारा यही प्रॉब्लम है कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं फलानी वॉर भी लिख लो, फलाना भी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, रेलिवेंट हमने नहीं पढ़ना और ना ही हमने रेलिवेंट वहां पे जाके लिखना है। जब दोनों ही प्रॉब्लम इन पॉइंट में से कोई बंदा गए थी कि जिसे बिल्कुल क्लियर था इन पॉइंट्स के ऊपर चीजें, अभी इनके ऊपर एनालिसिस करेंगे हम आगे जाके। ठीक है तो एक एक्चुअली वॉर ऑफ इंटरेस्ट है, वॉर ऑफ पावर है, वॉर ऑफ पॉलिटिक्स है इसी को, और यही उसने क्वेश्चन में पूछना है। अभी जो आया है ना तो ये एस ए भी आया तो वो भी इन्हीं एंगल को लेके आया है,
उसने ये नहीं पूछना कि ट्राई होगी वार, वो तो मुझे नहीं आती खैर मैं नहीं समझता उसको। वो एक पहले लखवी साहब भी यही कहते हैं कि राइट अप्रोच विद राइट ब्रेन वो ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं बहुत स्मार्ट वर्क करके क्रैक करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन एंगल क्लियर नहीं होते उस तरह से। और एग्जामिनर जो है ना, हम कोई एहसान नहीं कर रहे होते एग्जामिनर पे। एग्जामिनर को जब आप आंसर दे रहे होते हैं तो हम वो लिख रहे होते हैं जो हमें आता है, एग्जामिनर को हम वो नहीं बता रहे होते जो उसने पूछा होता है, तो फिर वो भी हमें वो वाले नंबर देता है जो उसका दिल करता है। तो एग्जामिनर से एक्चुअली बुचर, तो वो तो एक भाई उसने तो रगड़ा देना ही देना, उसने नहीं टॉलरेट करना। और यही इररेलेवेंट राइटिंग इररेलेवेंट रीडिंग यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम और है, वहां पे अगर किसी ने कहीं और पढ़ा है तो भाई उसका तो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा यूक्रेनियन एंगल आप दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे, तो यूक्रेनियन का यहाँ पे क्लियर तीन एंगल मैंने बता दिए हैं। एक पोलराइजेशन है यूक्रेन के अंदर, वो कहते हैं कुछ तो कहते हैं कि प्रो रशिया रहना चाहिए क्योंकि हमारी मदर स्टेट है, ये वाला इस एक्शन को फॉलो करते हैं केवियन रशियन प्रिंसिपैलिटी को, ठीक है तो ये वाली बात करते हैं प्रो रशियन के ऊपर। प्रो यूरोपियन यूनियन कहते हैं कि हम अब इंडिपेंडेंट है, हम आजाद है, हमारी सिविलाइजेशन एक अलग सिविलाइजेशन थी तो हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, हमने तो वो करना जो हमारा दिल करता है, दिल नहीं हमें यूरोपियन यूनियन की तरफ चला जाना चाहिए। नेशनलिस्ट या एक न्यू ग्रुप है वो कहता है कि दोनों दलों को छोड़ो, आप इमरान खान वाला स्टांस दो कि हमने तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चलना है। तो ये तीन स्टांस हैं जी यूक्रेनियन के, ठीक है तो ये यूक्रेनियन एंगल है। ठीक है जी, दूसरा जो है वो है अमेरिकन एंगल। अब ध्यान दें अमेरिकन प्लस यूरोपियन यूनियन दोनों का सेम पेज पे है तो दोनों का आप लिखें। ऑनलाइन वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, है मेरी भी इतनी, लेकिन मुझे खुद इस चीज पे गुस्सा आता रहता थोड़ा बहुत ही, उससे ना टीचर का एक बैड नेम जाता है वहां पे भी, क्योंकि ऑनलाइन में समझ समझ नहीं आती, क्योंकि हमने खुद भी ये ऑनलाइन वाला देखा हुआ है, टीचर बोलता रहता है इधर से स्लाइडों के ऊपर से, स्टूडेंट हाँ हाँ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे चलो हाँ हाँ तो करते हैं, तो वहां पे ये है कि फिर वो लोग ये तो यहाँ पे माइक लगा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइक लगा हुआ है, वो कहते हैं जी माइक लगा के रखे यहाँ से आवाज नहीं जाती, टीचर क्या करेगा, तो मैं तो इसीलिए फिर इसको पांव से ऐसे करता हूँ, समझ आती है आए नहीं आती। तो एक्चुअली जो है ना जो रियल एक कैंडिडेट है वो मेरे ख्याल में ऑफलाइन ही बेहतर है, ऑनलाइन पे कोई समझ नहीं आती होती, और उससे सारा ब्लेम फिर स्टूडेंट किस पे फेंक रहा होता है, टीचर पे, क्योंकि टीचर ने सही नहीं पढ़ाया, तो आप टीचर से आके यहाँ पे सीखें फिर सही वन टू वन बैठ के, तो वो जितनी तकलीफ आप लोगों को होती है उससे कई गुना मुझे भी होती है, मैं फिर इसीलिए केयर नहीं करता, बल्कि मैं तो जब उधर भी पढ़ाता था तो मैं कहता था ऑनलाइन वाला ऑप्शन ही नहीं है भाई, वो कहते थे जी पैसे जाया हो रहे हैं ये होता है वो होता है, मैंने कहा भाई पैसे लेने हैं तो फिर आप इनसे ले लें ऑनलाइन वाला, ये सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन है, वो भी आप ये आईसेप वालों का है पहले से चलता आ रहा था, नहीं तो अगर मुझसे पहले ये डिस्कस कर लेते ना कि जी ये ऑनलाइन वालों को ही पढ़ाना है, तो मैंने पहले दिन ही कहना था कि ये वाला क्रॉस कर दे ठीक है पढ़ाना है, तो इस तरह ही पढ़ाएंगे नहीं तो भाई कोई नया टीचर कर देंगे, तो ऑनलाइन पे नई चीजें क्लियर होती है, उस पर सारा ब्लेम एट द एंड, वो फिर मार्केट में जब बैठ के बच्चे ने कहना तो उसने कहना नहीं नहीं टीचर ही नहीं था वो, तो उसने पढ़ा खुद को नहीं कुछ आता था तो उसने हमें क्या पढ़ाना था, तो बजाय इसके कि टीचर अपना बुरा नाम पैदा करे उससे बेहतर है वो पढ़ाए ना। यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे किसी को चीज क्लियर नहीं होती वो मेरे से 15 दफा पूछे, यहाँ पे हम हर एंगल से हर चीज को डिस्कस करेंगे, फिर जब क्वेश्चन लिख के इन्होंने चेक, ऑनलाइन वालों ने आज तक मुझे क्वेश्चन एक नहीं लिख के चेक करवाया, ठीक है तो अब ये जिन लोगों ने लिखे हैं उन्हें खुद आइडिया होगा कि वो क्या लिख के ले आते रहे और फिर उनमें किस तरह अमेंडमेंट किए हैं कि क्या करना क्या चाहिए, अब वो भी सारा प्रेशर हट पे किसके आ जा रहेगा टीचर पे, जब ऑनलाइन वालों ने आना ही नहीं चेक ही नहीं करवाना तो वो सिर्फ आप पैसों के लालच में अगर आप ये कहेंगे कि 4 आने आ रहे हैं हमें तो आप अपना नाम खराब कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो ना करें आप बिल्कुल, पैसों वाला तो एंगल ही खत्म कर देना, और जो टीचर पैसे का रिस्क लेके पढ़ा रहा है वो इससे बेहतर है ना ही पढ़ाए तो अच्छी बात है। ये अभी देखे ना मुरीद जसरा साहब है या बाकी के लोग 25-25 हजार एक सेशन का, पढ़ाए तो सही आप,
कुछ चीजें तो करवाए, तो फिर भाई सारा झूठ बेचना है तो फिर कौम ने क्या बनना है आगे? आप ना कमाए पैसे, आप ना बड़ी गाड़ियां ले, आप पैदल चल ले, कोई मसला नहीं, कौन सा मरने लगे? तो आप थोड़ा सा भी दुनियादारी का खौफ भी तो देखें, इसी तरह चलता रहा ये चीजें तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक रियल प्रॉब्लम रियल सोल्यूशन डिमांड करती होती है, आप उसको फेक सोल्यूशन देते गए और लोग खुश होते जाते हैं, फिर वो होते हैं मैं नहीं करता इससे। मेरा अपना एक माइंड सेट है, सॉरी। यूक्रेनियन एंगल के बाद ही नेक्स्ट एंगल कौन सा आ रहा है? वो मैं सर आईसेप के सिर्फ नहीं क्रिटिसाइज कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ना एक वो फ्री आइडिया मिल गया ना इन्हें, उनसे भी पैसे लो सारी अकेडमियां और एक मोबाइल इधर लगा दो, चलो जी वो 70-80 हजार या 1 लाख 1.5 लाख वो बोनस है आपका, तो आप बोनस ना ले, आप अपना एक रियल नहीं मान लेते सेम में भी ऐसा ही है, वर्ल्ड टाइम में भी ऐसा ही है, वो बोनस हर बंदा कमा रहा है, वो नहीं सिर्फ ये वाला नहीं है, यहाँ पे हर जगह नहीं। ऑनलाइन सर एजुकेशन और चीज है, ये वाली ऑनलाइन में नहीं जाती, ऑनलाइन एजुकेशन के मैं लेक्चर आपको सेंड करूंगा अगर ऑनलाइन आपने सुन लो। सर जो ये सारे लाहौर में बैठे हैं, ये अपने बिस्तरों में बैठे हुए साथ मैसेज कर रहे हैं, साथ में लेक्चर ले रहे हैं, भाई मैंने नहीं कहा कि ऑनलाइन वो वाला, अब ऑनलाइन के आप लेक्चर ना दे देना, मैं ये वाला कह रहा हूँ, आप यकीन माने बाकी लोग खुश रहे, क्या मुझे नहीं पता कि ये साथ में 1400 मैसेज भी कर रहे होते हैं, साथ में लेक्चर भी ले रहे होते, हर बंदे को रिप्लाई भी साथ कर रहे होते हैं, आप अरे ये सूट देख देख, ये सीरियसनेस का भी जो आइडिया होता है, यहाँ पे बैठे आप लोग मैसेज कर लेते हैं, टीचर को आइडिया ही हो रहा है, टीचर जान बूझ के इग्नोर कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मुझे पता है ना फिर वो सारा बर्डन हट के टीचर पे आ जाना चाहिए, टीचर ने नहीं सही पढ़ाया तो टीचर बेचारा क्या करे यहाँ पे जी। सर जो लोग हैं ना उनके स्टांस यही बाद में जाते हैं, जिनको कैमरा नजर नहीं आता वो यही कहते हैं कि टीचर की आवाज ही नहीं आ रही थी, सही पता नहीं पढ़ा ही नहीं रहा था, आईफोन लेकर रखा ऑनलाइन। यार मैं आपको दिखाऊंगा क्वालिटी ऑफ वो ऑनलाइन, जैसे डॉक्टर नजीब के पढ़े लेक्चर, मेडिकल वाले सारे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वो अब आप उनकी क्वालिटी देखें ना, आप ये ना आप सारी चीजें, एक तो आप लोग फिर जब नैरो एंगल के साथ चीजों को जूम करके ले आते हो ना, तो फिर वो पिक्सल फट जाता है। मैंने बोलना चाहिए पहले ये नहीं कहा, मैंने कहा ये वाला, तो ये वाला जिन्होंने एमपीडीडी ऑनलाइन ट्रेनिंग की है वो कैसे फिसल रहे हो, कैसे बचे रहे आगे? हाँ ये खुद पूछ रहे हैं सर्विस वाले से, वैसे हालांकि जिन्होंने की है ना वो खुद एग्री करते हैं ना कि ये सही नहीं हुआ, नहीं हुआ पूछ ले, वो मेरे भी साथ वो दिल, वो दिल आपकी बैचमेट है ना 13वीं पोजीशन, हां दिल का वो गुजरावाला खुद वो कसम उठा के कह रहा है कि भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। अदील और हम तो तीन लोगों ने ग्रुप बनाया था, हम लैपटॉप पे हमने पाकिस्तानी है ना हम कौन सा ईमानदार कौन है, अब देखते हैं ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं। ये जब इनका हो रहा था ना सीएसएस वालों का, तो ये मेरे घर पे बैठ के दे रहे थे, वो जो सिटी पी हो रहा था तो मुझे पूछ रहे थे कि इसका आंसर इसका, तो मैंने कहा ऐसी आप आ रहे हो, और जो मुझे नहीं आता था वो गूगल से पूछ रहे थे, तो फिर ये तो आप ना करें ना सर, तो आप इस तरह ना कंपेयर करें। कोविड वाले सर ना किसी ब्यूरोक्रेट पे ना डॉक्टर पे किसी भी प्रोफेशन के बंदे पे बिलीव नहीं कर रहा सर। कोविड में ध्यान सीरियस नहीं लेना चाहिए, सीरियस में अपने ईगो नहीं समझना चाहिए, जो किसी का कितना भी किसी तरह का भी क्वेश्चन है लेकिन विदन का नहीं जाना चाहिए,
कुछ और क्वेश्चन भी आना चाहिए तो वो होना चाहिए। लेकिन सर ऑनलाइन का मतलब ये है कि जब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल स्कूलिंग है, ठीक है, तो जो लोग बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, जो बैठे ही वो है साउथर्न बेल्ट पे है, वहां पे आप एलईडी लगा दे बड़ी, वहां पे गूगल क्लासरूम्स हो, वहां पे वो स्टूडेंट आए, वहां पे टीचर खड़ा हो, वहां पे आप काम करें। ये नहीं है कि आप इधर से मैसेज भी साथ कर रहे हैं और साथ में आप लेक्चर भी दे रहे हैं, हैंड फ्री भी लगी हुई है, घर वालों को भी कह रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे, तो लगाया हुआ है। तो सर ये इनजस्टिस है अपने आप के साथ भी, और मुझे तो पता ही है इस चीज का, तो मैं इसीलिए फिर जब इस, और फिर मैं ना ये ऐसे नहीं है कि मैंने कोई बगैर सोचे समझे इरेशनल स्टेटमेंट दे दिया, मैं जब ये सबको देख रहा होता हूँ ना, तो फिर मैं उससे कंक्लूड करके ये कहा कि यार ये ऑनलाइन वाला कम से कम पाकिस्तानियों के लिए सूटेबल नहीं है। तो हमारे जितने भी ये हुए हैं, जब ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हुए हैं, मेरे भाई हैं सारे हैं, वो भी इसी तरह ही करते थे, इधर से एक आठ दो मोबाइल रख बैठते थे, एक पे आंसर सर्च करना, दूसरे पे उन्होंने लगाते जाना है। तो ये क्या तरीका है? Same teaching to so leave it. It was a lengthy discussion, I think. Yes, sir. Ukrainian angle के बाद next क्या आ जाता है जी? American. American. दूसरा ये भी है सर, you have a right of freedom of expression. जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ आप उससे agree करें, आप अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने अगर कहा ना कि जी ऑनलाइन सिस्टम मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी यही कहें जी मुझे पसंद नहीं है, नो नहीं, मैं एक और बात कर रहा हूँ वैसे, यानी कि एक जनरल बात, मेरा एक ओपिनियन है तो मैंने उस पर आर्गुमेंट दिए हैं, आपने कहा नहीं जी होनी चाहिए, तो ये एक डिस्कशन है, ये क्या है, कंक्लूडिंग डिस्कशन है, एक अच्छी प्रोग्रेसिव डिस्कशन है। आप अपने आर्गुमेंट दे रहे हैं कि वो वाले सफर करेंगे, वो ये होगा वो होगा, मैं दूसरा एंगल बता रहा हूँ, इस तरह दोनों चीजें सामने आ रही हैं कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अमेरिकन एंगल में भी दोबारा सुने के वो मैच मैंने उतार दिया, ऊपर से रशिया अगेन पेनिट्रेशन कर रहा है कहां पे, यूरोप के अंदर, क्योंकि सारे की सारी एनर्जी सप्लाई कहां से आ रही है, यूरोप को सारी की सारी एनर्जी सप्लाई कहां से आ रही है, रशिया से। तो यहां पे अमेरिका को ये प्रॉब्लम है कि रशिया जो है ना अगेन एक लीडिंग पावर बनता जा रहा है, सारे का सारा यूरोप आहिस्ता आहिस्ता डिपेंड करवा लिया है अपने आप पे। तो अगर कल को रशिया किसी बात पे एग्री नहीं करता, पुल बैक कर जाता है, तो पूरे यूरोप की जो इकोनॉमी है वो घुटनों पे आ जाएगी, जैसे अब हुआ है। अब रशिया ने क्या कहा जी, मैंने गैस नहीं देनी, तो अब बाइडन भाग के आया सऊदी अरेबिया के, यार अब आप जो है ना अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा लो, समझ आइए कि नहीं। मेरे पास अभी स्कूल आया हुआ था ना, जर्मनी का जो वो है चांसलर जो है स्कूल, वो भी आया हुआ है सऊदी अरेबिया, तो ऊपर से जब ये चीज हुई है तो अब उन्होंने किधर का रुख किया है, सऊदी अरेबिया का। अब सऊदी अरेबिया को क्या करना चाहिए, सऊदी अरेबिया को ये कहना चाहिए कि नो अभी हम प्रोडक्शन वही रखेंगे, आप ऊपर वाले प्रॉब्लम पहले सॉल्व करवाएं, अगर आप इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स चाहते हैं, आप किसी की साइड नहीं देना चाहते। अब पहले बाइडन आया, बाइडन ने आके कहा कि ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज करें और रेट डिक्रीज करें, ये करें वो करें। दूसरी तरफ कौन आया जी, स्कूल आया है, अब वो स्कूल आके भी यही कह रहा है कि आप प्रोडक्शन इंक्रीज करें और जो है रेट कंट्रोल किया जा सके, एनर्जी क्राइसिस जो है वो ना प्रोड्यूस होने दिया जा रहे। तो इस तरह एक जो फुलक्रम था, फुलक्रम ऑफ पावर जो है, पॉलिटिकल पावर, वो किसके पास जा रहा था, रशिया के पास। तो इससे प्रॉब्लम किसे है, अमेरिका। अमेरिका कहता है कि जितनी दुनिया की इंडिपेंडेंसी हो जाएगी किसके ऊपर, रशिया के ऊपर, उतना प्रॉब्लम बढ़ जाएगा अमेरिका के लिए, उतना अमेरिका का जो लीवरेज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पॉलिटिकल लीवरेज, ये टर्म भी लिख लीजिएगा कहीं काम आ जाएगी आपकी, पॉलिटिकल लीवरेज थोड़ा समझिए। पॉलिटिकल लीवरेज का मतलब ये है कि अमेरिका को एक पॉलिटिकल लीवरेज हम पे है, कि जब उसने कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी में हमसे बात मनवाना होती है तो वो अपना फुलक्रम यूज करता है और हमारे कान से पकड़ के कहता है कि ये वाला काम कर लो या अफगानिस्तान में ऑपरेशन कर दो, तो हम कर लेते हैं। तो उनको क्या है, हम पे एक पॉलिटिकल लीवरेज हासिल है, तो वो पॉलिटिकल लीवरेज बाकी स्टेट के ऊपर भी है, इसी तरह यूक्रेन के ऊपर भी है ना। तो यूक्रेन से कह रहा था कि आप यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप ले लो, नेटो की मेंबरशिप ले लो, तो वो अपना पॉलिटिकल फुलक्रम जो है उसे क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। पॉलिटिकल लीवरेज, पॉलिटिकल फुलक्रम, ये वाले थोड़े टर्म्स अच्छी लगती हैं तो एग्जामिनर के लिए भी नहीं होती है, तो वो इसलिए फिर यूज कर दे। आउटलाइन में कोशिश किया करें इस तरह के टर्म्स इस्तेमाल करें ताकि एग्जामिनर को आइडिया हो कि वो जो पढ़ पढ़ के इतनी सारी स्टेटमेंट्स है ना थक गया होता है एक तरह की, जब कोई नई चीज आती है तो उसका
थोड़ा दिल खुश हो जाए। अमेरिका अपने आप पे सेल्फ रिलाय करता है जी एनर्जी को लेके, और कहा ये जाता है कि थीरी ये है उसने सबसे ज्यादा हाइड्रो ग्रीन एनर्जी ये की सारी और बाकी की जो बची कुछ जरूरियात है वो सऊदी अरेबिया में जितनी अरामको वगैरह है यहाँ पे शेयर किसके हैं सऊदी अरेबियन के और जियोज के हैं, वो सारी की सारी बल्कि जो ग्लोबल एनर्जी है उसे बल्कि वो पढ़ा नहीं था हमने ग्लोबल एनर्जी वाले में, तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि पूरी ग्लोबल एनर्जी को कौन कंट्रोल करता है जी अमेरिका करता है, वो एक्चुअली वो ओपेक का मेंबर नहीं है देख लीजिएगा। लेकिन सर अलास्का में भी तो रिजर्व, हाँ वो रिजर्व है लेकिन वो मैं भी इसी तरह से थ्योरी बताने लगा था कि वो अमेरिका ने स्टोर करके रखे हुए हैं क्योंकि ये सारे के सारे रिसोर्सेज क्या है डिप्लीटेबल है, ये खत्म हो जाने हैं कल को, जब खत्म होंगी तो वॉर होगी किसके ऊपर रिसोर्सेज के ऊपर, तो अमेरिका कहता है उस वक्त मैं अपने यूज कर रहा हूँ, तो एक्सप्लॉइट भी करेगा तो वो कहता है मेरा अपना यानी कि डिफेंड करके उसमें रखा हुआ है कि मेरा ऑयल और कोल और ये सारी चीजें गैस मौजूद है, तो जब ये सारे के सारे डिप्लीटेबल रिसोर्सेज हैं जी एक ना एक दिन तेल और कोल ने खत्म तो होना है, वो कहता है उस वक्त मैं जो है उसे यूज करके अपनी सुपर पावर का जो स्टेटस है वो नहीं खत्म होने दूंगा, वो अलास्का वाली ये वाली बात है। कहाँ से खरीदी थी इन्होंने अलास्का? रशिया, रशिया बहुत पछताता है उस अलास्का को लेकर, ठीक है तो अलास्का हमें नहीं देनी चाहिए थी। अमेरिकन एंगल सारा समझ आ गया जी आपको, अमेरिका का इकोनॉमी को लेके पॉलिटिकल पावर को लेके पॉलिटिकल फंक्रम को लेके और दैट इनसर्कलमेंट वाली पॉलिसी भी इसकी है, रशिया और चाइना को क्या किया जाए इनसर्कल किया जाए, तो वो सारे का सारा क्वाड में I2U2 में ऑकस में उधर से ये यूरोपियन यूनियन वाले रीजन में, तो ये क्या है इनसर्कलमेंट भी चाहता है किसकी रशिया और चाइना की, तो ये दो वर्ड भी यहाँ पे लिख लें इनसर्कलमेंट ऑफ रशिया प्लस चाइना, तो ये इधर से कहता है कि ईस्टर्न बॉर्डर से और उधर से वेस्टर्न बॉर्डर से रशिया पे प्रेशर बना के रखना चाहिए। अमेरिकन एंगल भी आ गया, उसके बाद जो तीसरा एंगल है वो कौन सा है जी, ये इनका दोनों को साथ साथ लिख लें अमेरिकन प्लस कौन सा यूरोपियन यूनियन, लेकिन सर उसके अंदर मेजर तो ये अमेरिका का इन्फ्लुएंस है ना, दोनों का ही, दोनों का वेस्ट और अमेरिका हमेशा एक साथ खड़े हैं, नहीं ऑकस के अंदर देखें, नहीं ऑकस के अंदर यूके नहीं था उनके साथ ही खड़ा, कोरिया भी वेस्ट के साथ ही है, इनडायरेक्ट का मतलब यही है ना कि वेस्ट और इनकी पॉलिसी तकरीबन सेम है इस पे, इस प्रॉब्लम को लेके इनसर्कलमेंट को लेके क्या है एक पेज पे है, चाइना और रशिया को कंटेन करने में वेस्ट और अमेरिका क्या है सेम इंटरेस्ट है इनका, तो इसीलिए मैंने एक साथ लिखा दिया इसको। अब बात है जी पाकिस्तान का एंगल, अब अगर इनकी बात सुननी हो तो ये हटा दें, अब ये हटाएंगे तो ये कहेंगे हमें आवाज नहीं आ रही, समझ आ गई कि नहीं, अब आप लोगों को अगर आपको मैंने सुनना है ना इससे वॉइस आपको नहीं जानी, मेरी वॉइस नहीं जानी है, तो वो कहते हैं कि जी आपकी वॉइस जानी चाहिए इनकी जाए ना जाए उससे कोई मसला नहीं, तो ये एचडी जब लगाते हैं ना ये फोन सुनाई देती है जब ये, तो उससे आपको क्लियर सुनाई देगी, मुझे आपकी बात कोई नहीं पल्ले, तो वो मुझे सुनी नहीं है, वो माइक फोन के अंदर आ रही सुनाई नहीं देती, आप बोलते रहेंगे आप कहेंगे टीचर जानबूझ के नहीं हमारी बात सुन रहा, वो देखे मेरे पे क्रिटिसिज्म आ रहा है हालांकि उसमें मेरा कोई कसूर है, अब यहाँ पे बोलते रहे जो भी कहते हैं मुझे कोई नहीं सुनाई देना, और अगर मैं ये हटा दूं आपको सुनने के लिए तो फिर आपको वॉइस नहीं जाएगी, आप कहेंगे जी अब टीचर की आवाज नहीं साफ आ रही, तो सारा प्रॉब्लम टीचर पे ना डाले ना मुझे, तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान का एंगल ये देखे जी, पाकिस्तान ने दो बातें की थी जब ये यूक्रेन हुई है, सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये कहा गया कि आप रशिया का जो टूर है ये क्या करें कैंसिल करें, और ये अली इलान कहा गया था इस पे कोई डाउट नहीं है, वेस्ट ने ये प्रेशर पुटअप किया पाकिस्तान के ऊपर कि आप क्या करें जो आपका रशियन विजिट है इसे आप कैंसिल कर दें, इन टाइम आके भी इमरान खान के ऊपर यही प्रेशर डाला गया था, लेकिन इमरान खान ने आगे क्या कहा जी कि मैंने इदारों से बात की है, मैंने फॉरेन ऑफिस से बात की है, मैंने मेन इंतजामिया से बात की है, तो सब ने मुझे ये कहा है कि ये टूर हमें करना चाहिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
और दूसरा एंगल ये पे, यहाँ पे ये बताया गया क्योंकि ये टूर ऑर्गेनाइज करवाने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है, और अगर हम इन टाइम आके आप बाईपास कर जाते हैं रशिया को तो अगेन चाइना भी नाराज होगा, एससीओ के अंदर भी हमारी बदनामी होगी, और यूरेशियन ब्रिज वाली जो बातें हम कर रहे हैं वो भी हमारा फेल होगा, और इस तरह हम वेस्टर्न ब्लॉक के में जाने से इसको नाखुश कर जाएंगे। पहला तो स्टांस ये दिया गया था वो यूरेशियन जो जैसे यूरोपियन यूनियन है इसी तरह यूरेशियन यूनियन भी है ऊपर, तो वहां से सस्ती गैस और ऑयल लेने के लिए हम पाइपलाइन जो अभी भी पुतिन ने हमें ऑफर करवाई है, ठीक है। और दूसरी बात देख लें, अभी इसने अफगानिस्तान ने वैसे उनके साथ डील साइन कर ली है, तो क्या अफगानिस्तान हमसे ज्यादा स्ट्रांग है या हम ज्यादा स्ट्रांग है? लेकिन आप देखें मेंटली कौन स्ट्रांग है, मेंटली उन्होंने कहा हमें कोई डर नहीं रखा, दोबारा फिर आके हमला करते। ये होता है जो कल मैं परसों बात बता रहा था ना, जो आपके फॉरेन ऑफिसर होते हैं या फिर जब आपका फॉरेन मिनिस्टर जाए तो उसकी बॉडी जो है जो टून है वो बताती है कि ये नहीं बात मानने वाला। तो ये आपके डिप्लोमेट्स के अंदर, इंडिया के अंदर आप देखें ना वो यूपीएससी वाले, उनकी जब ये ट्रेनिंग होती है तो सबसे पहली उन्हें जो चीज सिखाई जाती है ना वो साइकोलॉजिकल वॉर है। जब आपने किसी के साथ इंटरेक्ट करना है तो आपने कैसे इंटरेक्शन करना है। तो अब देखिए हालांकि तो वैसे तो अभी हमला करके तबाहियां करके क्या क्या नहीं करके गए, और वो करके गए तो उन्होंने कहा ठीक है आप दोबारा आ जाए लेकिन हम अपना नेशनल इंटरेस्ट नहीं कुर्बान होंगे। कोई उनके पास एटम बम था, कोई उनके पास मिलिट्री थी, कोई कितना तो स्ट्रांग थे, तो क्या हम नहीं रेजिस्ट कर सकते थे? अभी उन्हें उन्होंने कहा है अमेरिका ने कि आप ये रशिया से हट जाए वापस, उन्होंने कहा चलो वो देखेंगे, उन्होंने उनके साथ डील साइन कर दिया कि आप हमें फूड भी दें गैस भी दें, इनकी तो बाद में हम देख लेंगे सुन लेंगे। इंडिया की एग्जांपल दे रहे हैं अभी, उसके बाद नेक्स्ट देख रहे। पहला एंगल ये पाकिस्तान ने दिया, दूसरा पाकिस्तान ने एंगल ये दिया कि देखें हमने आपके लिए 1980 की वॉर लड़ी, हमने आपके लिए 2000 के बाद जो है वॉर लड़ी, हमने सारे का सारा टेररिज्म वाला जो फेज है जो थर्स्ट है वो सारे का सारा पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया, आज आपने पैकअप करके वापस चले गए हैं, पाकिस्तान को क्या मिला है? वेस्टर्न अलायंस का जब तक हम हिस्सा रहे हैं आपने हमें क्या दिया है, और आज फिर आप हमें कह रहे हैं कि आप ईस्टर्न की तरफ ना जाएं तो हमें इंसेंटिव क्या देंगे आप इसका? तो आप हमें जीने देंगे या नहीं, आप हमें फॉरेन पॉलिसी में आजादाना फैसला करना देंगे या नहीं करने देंगे? तो दूसरा स्टांस पाकिस्तान ने यह दिया था सर। तीसरा जो स्टांस है यहाँ पे पाकिस्तान का, ये लिखते रहे पाकिस्तान के स्टांस आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेंगे तो पॉइंट सब जेन में होने चाहिए। पहला जो था वो किसको था लेके, रशिया और चाइना वाला था, क्योंकि हम एक लंबे अरसे के बाद विजिट कर रहे थे उनको साथ, तो हम चाहते थे डिप्लोमेटिक रिलेशन विद रशिया शुड बी स्ट्रेंथन, तो ये हमारा एक नैरेटिव बन चुका था हमारा कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है अमेरिका रशिया के साथ या मॉस्को के साथ वो क्या किए गए इनहांस किए गए, ये पहला नैरेटिव था हमारा। दूसरा ये था कि हम चाह रहे थे कि मल्टीपोलर जो है फॉरेन पॉलिसी हो, हमारी क्या थी यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ वेस्ट की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है ईस्ट की तरफ कम था, तो हम अब चाह रहे थे कि मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट किए जाए। जो हमारी एनएससी वो आई थी ना नेशनल सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें यही बात की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाए ग्लोबल अरीना के ऊपर, उसमें रशिया टॉप ऑफ द लिस्ट था कि आप रशिया के साथ इतनी नफरत ना करें, आप रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात बढ़ाएं। समझ आ गई मेरी बात ही नहीं? दो बातें हो गई। तीसरी बात थी पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस को लेके, तो हम एनर्जी और फूड इनसिक्योरिटी का शिकार होते जा रहे थे, तो हमें उनसे एक अच्छा एज मिल सकता था, एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान का जो है वो उसको लेके मिनिमाइज किया जा सकता है अगर आप रशिया से गैस पाइप लेके आते हैं। ये दूसरा स्टांस था, तीसरा स्टांस था पाकिस्तान का। चौथा पाकिस्तान का जो स्टांस था वो सीपैक को लेके था कि अगर गैस पाइपलाइन वहां से पाकिस्तान में आती है तो कहां तक जाएगी ये गैस पाइपलाइन, कराची तक ग्वादर तक जाएगी, तो हमारा जो वो सीपैक रूट है वो क्या हो सकता है, दोबारा रिवाइव हो सकता है, ठीक है ना? समझ आई कि नहीं? तो वो जो इतने बिलियन ऑफ डॉलर हमने रिटर्न करने हैं तो वो कहीं से अर्न करेंगे तो रिटर्न करेंगे ना, तो ये वाली हो सकती थी। उसके बाद अगला स्टांस वेस्ट को काउंटर करने के लिए ये था कि भाई हमने आपके लिए 80s की वॉर लड़ी, हमने आपके लिए 2000s के बाद फुल स्केल वॉर अगेंस्ट कर रहा, आज भी मैंने ये न्यूज़पेपर उठाया हुआ है ये देख लें, ऑफिस में पड़ा, उसके फ्रंट पेज पे आप जब भी देखें तो टेररिस्ट की पहली पहली मेन हेडिंग आई हुई थी कि टेररिस्ट अटैक में इतने फौजी मारे गए और इतने शहीद हुए और इतने ये, तो वॉर तो वो लड़के चले गए, उसके रिपरकशन पता नहीं अब कितने डेकेड तक हमने फेस करने हैं, उन्होंने तो अपना काम खत्म किया वो तो घर चले गए,
अब पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान है। अब केपीके की मैं बात कर रहा हूँ, ये कल परसों जो हुआ है, आज हुआ है, तो देखें अब ये कितनी देर और हमने फेस करना है। हम पिछले चार डेकेड से ये चीजें फेस करते आ रहे हैं, तो भाई हम क्यों फॉरेन वॉर लड़े? लोगों के इंटरेस्ट की वॉर हम खुद लड़ेंगे तो हमारा अपना नुकसान होगा, तो हमें किसी फॉरेन वॉर का हिस्सा नहीं बनना। तो इन्होंने ये कहा कि अब अगर हम क्या करते हैं, आप कहते हो कि रशिया को कंडेम करो, तो अगेन हम फिर वो इसका मतलब है कि आपकी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, तो नो फर्दर ब्लॉक पॉलिटिक्स। ये एग्जैक्ट लाइन बोली थी इमरान खान ने वुड्रो विल्सन सेंटर के अंदर जब उसकी स्पीच थी, तो उसने यही कहा था कि भाई ब्लॉक पॉलिटिक्स का पाकिस्तान फर्दर हिस्सा नहीं रह सकता, पाकिस्तान कांट टॉलरेट ब्लॉक पॉलिटिक्स, क्योंकि ये हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट में नहीं है। हमने ब्लॉक पॉलिटिक्स से बहुत सफर किया है, आज भी हमारी लाशें इसी वजह से जा रही हैं। इंडिया ने क्या सफर किया है? इंडिया को क्या प्रॉब्लम, ईरान को क्या प्रॉब्लम हुआ, ऊपर से कजाकिस्तान वालों इनको क्या प्रॉब्लम हुआ, ऊपर से तो पूरा चलो जल रहा है, बीच में फंस कौन गया है? पाकिस्तान। तो अब सारे टेरर अटैक कहां पे हो रहे हैं? पाकिस्तान पे। तो सो पाकिस्तान कांट टॉलरेट फर्दर ब्लॉक पॉलिटिक्स, या पाकिस्तान कांट जॉइन एनी ब्लॉक फॉर पॉलिटिक्स, ये क्लियर कट इमरान खान ने कहा था। तो ये सारी फॉरेन पॉलिसी होती है ना, जब आप सुने इस तरह की टॉक्स तो आपको आइडिया होता है कि व्हाट एक्चुअली इज द डोमेन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। सो हियर वी आर गोइंग टू मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी, वी आर डाइवर्टिंग आवर पॉलिसीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अब हम कह रहे हैं कि नहीं, अब हमने रशिया को कंडेम नहीं करना, अगर हम रशिया को कंडेम करते हैं तो रशिया यही समझेगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अभी भी किधर चुका हुआ है उसका, पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी, या पाकिस्तान जब इस्लामाबाद फॉरेन पॉलिसी इज स्टिल इंक्लाइन टुवर्ड वेस्ट। और अगर हम ये बात करेंगे तो SCO हमने साइन किया हुआ है, हमने CPEC साइन किया हुआ है, हम अबोर का हिस्सा बनने जा रहे हैं, हम ईस्टर्न ब्लॉक के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। तो ये था प्रॉब्लम। इससे अगला पॉइंट जो था पाकिस्तान, हाँ ये यही बात, ये आगे तो ये तो मैंने कल ही बात की थी कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा लूप होल। अब ये कल आप ऑनलाइन थे शायद, तो यहाँ भी ये मैं इनसे पूछ रहा, ये बात मैंने की है कि जब हुकूमत चेंज होती है तो फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है, फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है तो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होती है, उससे FDI नहीं आती, उससे ये चीजें। तो ये कल बड़ी डिटेल इस पे बात की थी, अब उन्होंने सुना नहीं तो अब ये कहा जी पता नहीं टीचर ने पढ़ाया नहीं, नहीं वैसे कल आपने सुना नहीं ना, वैसे ईमानदारी से बताया। तो ये फिर ऑनलाइन वालों का कसूर है सर, मुझे वो समझ नहीं आ रही थी फिर अब मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग बाद में आप लाइन क्लासेस में। चलो ठीक है सर, लेकिन पहले हम कह रहे हैं कि मुझे ब्लॉक पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनना, और उसके बाद हम आउटराइटली कह रहे हैं आउटराइटली नहीं कह रहे हम, ये यूएन में सपोर्ट कर रही है उनको, तो यूएन में सपोर्ट इस तरह नहीं कर रहा है कि हमने इस वॉर में जाना, हमने वो मैं पूरी स्पीच अब बोलूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, जो डॉक्टर वो सर मुनीर अमीन ने जो स्पीच किया ना मैं उस पर बात करता हूँ, जस्ट वन मिनट आप ब्रेक तो लेना, उस तक बात तो पहुंच कर दिया करें पहले। ये कहाँ तक पहुंचे अभी? पाकिस्तान का वो ये था कि देखें वेस्ट जो है टोटली इंक्लाइंड टुवर्ड इंडिया, लिमुआ साइन किया आपने, कॉम्पासा साइन किया, आप उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे हैं, हमें इस बदले में क्या देंगे? अगर हम आपको वोट कर देते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा? जस्ट हमें प्रेशर पाके आप कह रहे हो कि जी हमें वोट दो, तो हम अपने लिए ना इंटरेस्ट की बात करेंगे। दोबारा पॉइंट को समझे कि वेस्ट सारे का सारा किसके साथ अलायंस बना रहा है? इंडिया के साथ। इंडिया हमारा क्या है? एनिमी स्टेट है। तो आप इंडिया के ऊपर जितना प्रेशर डाल रहे हैं, पहले तो आप इंडिया से तो कहें ना कि आप वोट ना करें, क्योंकि वो तो अब आपका अलायंस जो है क्वाड के अंदर भी वो आपके साथ खड़ा है, I2U2 के अंदर भी वो आपके साथ खड़ा है, और ऑकस में भी वो बड़ा खुश है, आप उसके साथ न्यूक्लियर डील साइन करके बैठे हैं, आपने उसके साथ कॉम्पासा किया है, आपने उसके साथ बीका किया है, आपने उसके साथ लिमुआ किया है, इतने सारे एग्रीमेंट करके आपने उसको अपना अलाय बनाया है, पहले उसे तो कहो कि वो रशिया को कंडेम करे, फिर आप हमें कहिएगा। तो ये कौन सा है? सातवां पॉइंट है यहाँ, समझ आइए कि नहीं मेरी बात कि पाकिस्तान का स्टांस क्या है, कि दो एक ही बात है ना, एक आपका दोस्त है, ये इमीडिएट दोस्त है, अभी इंडिया क्या है? वेस्ट के साथ खड़ा है, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो जो बात आप हमसे मनवाना चाहते हैं पहले अपने दोस्त से तो मनवाए ना, जब वो नहीं मान रहा तो आप हमें क्यों फोर्स कर रहे हैं कि आप ये करें? अभी मैं आगे बात बताता हूँ। कितने पॉइंट हो गए? सात। इसके बाद जनरल असेंबली की होती है जी वोटिंग, और पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश
इस रीजन के अंदर ये तीनों रशिया को कंडेम नहीं करते। तो अब हमारे ऊपर प्रेशर डाला हुआ है कि आपने रशिया को कंडेम नहीं किया, इंडिया को क्यों नहीं करते हो? वो तो आपका लाए इंडिया बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश देख रहे हैं और हमने भी चाइना ने भी नहीं IMF से पैसे लेते हैं सारा नाश्ता की वजह से। बस यही है ना, जब आपकी यही बात, यही बात सर, यही बात कल जो बात की है कि वंस यू आर अंडरगोइंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ओवर यूर सोवरेनिटी। कल ये बात बताई थी ना कि जब आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी नहीं है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जिसके ऊपर, आपकी सोवरेनिटी के ऊपर। तो यही हमारे साथ हो रहा है सर। अब पॉलिटिक्स समझ आ रही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स किस तरह चलती है दुनिया में। ये अगला पॉइंट इसको लेके, इसके ऊपर जब वोटिंग होती है जनरल असेंबली में, तो जहां पे सर मुनीर अकरम जो है वो वर्ड एग्जैक्ट इसी तरह लिखा हुआ था जो आपने कहा भी, जो क्वेश्चन भी उसने कहा कि वेरी केयरफुली या एक्सट्रीमली केयरफुली सिलेक्टेड वर्ड्स वर प्रेजेंटेड बाय सर मुनीर अकरम। बहुत केयरफुली सिलेक्ट किए वर्ड, कहीं पे हमने रशिया को कंडेम भी नहीं किया, लेकिन कहीं पे हमने ये भी नहीं कहा कि जी आप ठीक है। हमने एक न्यूट्रल, जो रियल न्यूट्रल स्टेटमेंट है वो दे के हमने कहा जी हम इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं, जो भी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करेगा हमें उसके अगेंस्ट बात करनी चाहिए। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि रशिया ने चूंकि इंटरनेशनल लॉ की वायोलेशन की है लिहाजा उसकी बात करनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट वाली जो खेल है, हमने कहा नो, एनीवन व्हिच स्टेट इज गोइंग या एनी स्टेट व्हिच इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ व्हिच इज वायोलेटिंग इंटरनेशनल लॉ वी मस्ट कंडेम इट, हमें जरूर करना चाहिए। अब हमें पता तो है कि रशिया ने अटैक किया है रशिया को, लेकिन रशिया को भी बचा रहे हैं, कहीं पे भी पूरी स्पीच में उन्होंने रशिया का नाम नहीं लिया। तो इस तरह एक मिडल वे पे आके अपने डिप्लोमेसी को इसके साथ उसने एक और भी स्टेटमेंट दिए, आई एम नॉट सिटिंग ऑन अ फेंस, आई एम सिटिंग इनसाइड माय होम, इस पर जो उसकी स्टेट है वो यही है ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इसका मतलब कि अगर मैं रशिया को कंडेम नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। इसी तरह की जब हमने दिया तो हमसे वो ये डिमांड कर रहे थे कि आप आउट राइटली कहो पाकिस्तान, ये वो कहते हैं पाकिस्तान नाम लेके कहे कि रशिया ने ये किया तो गलत किया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि नहीं हमने ऐसा नहीं करना। तो वो मैंने आपको सारे चांसेस बता दिए यहाँ पे। तो ये किसका था जी, पाकिस्तानी एंगल। अब पाकिस्तान के लिहाज से आई थिंक क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो आप लिख लेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है बेसिक पाकिस्तान के। अगर एक दो और भी लिखने हैं तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अफगानिस्तान के ऊपर रशिया हमारे साथ, अब चाइना और रशिया दोनों, वो जो कल आपने बात की थी ना पीस टॉक्स जो हुई है, तो एक्चुअली प्रेशर पुटअप किसने किया है, रशिया और इसने चाइना ने किया है कि जो अमेरिका है ये पुल आउट करे यहाँ से। तो अब अगेन देखें उस पर भी वो थोड़ा बहुत हमारे साथ खड़े हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज हमने रशिया के साथ अभी की थी बड़े लंबे अरसे के बाद, तो अगेन अगर हम उनके साथ अगेन स्टेटमेंट जाते हैं तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे सफर करेगी, ठीक है। उसके अलावा अभी जो हम रिसेंटली उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं वो फूड का था, ठीक है। तो फूड इनसिक्योरिटी हो जानी है, तो एनर्जी का भी, फूड का भी, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल के अंदर, यानी कि ट्रेड, एक प्रॉपर जो ट्रेड चैनल है वो हम ओपन करने जा रहे थे रशिया के साथ, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाना था हमारा। अब इस सारे में ये मत भूल जाइएगा कि आप कहेंगे कि पूरे वेस्ट से हम बायकॉट कर लें, नो। अब यहाँ पे आपने फिर लिखना है कि हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, अमेरिका है। उसके बाद आपने बताना है कि यूरोपियन यूनियन ने हमें स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, जीएसटी प्लस स्टेटस, ये आपने बताना है। देन आपने ये बताना है कि अगेन FATF में, IMF में, वर्ल्ड बैंक में किसकी प्रेजेंस है, USA UK की डोमिनेटिंग पोजीशन है। अगर हम उनके अगेंस्ट जाते हैं तो हमें यह भी पता है कि हमने IMF साइन करना है, तो आउटराइटली आप ना करें। यहाँ पे आप अपने डिप्लोमेसी को न्यूट्रल, इम्पार्शियल, फेयर, स्टेट सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक एंड क्या है डेमोक्रेटिक सेंट्रिक रख के तो आप मिडल पाथ पे चलते जाए और अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करते जाए। आई थिंक थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा एनर्जी आपने दिलवा दी है इस टॉपिक पे। सही पॉइंट ऑफ व्यू पहले था तो चाइना इसमें
अफगानिस्तान 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 में ये है कि एक्चुअली जब अफगानिस्तान में इनकी मिलिट्री प्रेजेंस थी किसकी अमेरिका की, तो उस पे चाइना और रशिया ने ये कहा था कि अमेरिका को यहाँ से पुल आउट करना चाहिए, तो हमारा स्टांस भी यही था, तालिबान का स्टांस भी यही था, तो हमारे स्टांस को यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम उनके अगेंस्ट कैसे जाके बात करें, वॉर ऑन टेरर की बात, जब हम देखते हैं जो बाबर की वो पहले थी, उसमें उसने कहा नहीं है कि हमने ये है बिल्कुल, उससे जब क्वेश्चन किया था साफी ने, तो उसने कहा कि जी यस ऑफ कोर्स इट वाज अ मिशन कंसेंसस बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड अमंग द इंस्टीट्यूशन एंड ऑल एक्टर्स on table on the board regarding Imran Khan jo have visit of Moscow, ab usko manenge usko wo baat mein ab wahi to point of conclusion yehi baat hai na, ab main aapko ye baat karunga।